बच्चों क्या क्या सब कुछ सीखा। मैं से बेटर बन रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने क्लास 12 का न्यू सेशन शुरू किया था जिसमें चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसमें हमने चार्ज की डिफिनेशन पढ़ा था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ा था, इसके बाद उसके कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था जिसमें एडिटिविटी था, कंजर्वेशन था एंड क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल था। इसके बाद हमने पढ़ा था कंडक्टर के बारे में, हमने इंसुलेटर के बारे में पढ़ा था एंड कुछ मेथड सीखे थे जिसमें हम ये देखा था कि कैसे किसी बॉडी पे चार्ज को डेवलप किया जा सकता है। हमने कूलम्बियन लॉ के बारे में पढ़ा था, हमने उनके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन उन पे बेस्ड करेंगे जो कि पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन क्या था कि एक चार्ज है हमारे पास कैपिटल क्यू, एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास और उसको हमने स्प्लिट किया दो सेगमेंट में। जरूरी नहीं था कि वो इफेक्टिव हाफ हो, एक क्वेश्चन इसी में है। उसने पूछा गया कि उस सेगमेंटेड चार्ज की वैल्यू क्या होगी सो डेट अगर दोनों चार्जों को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखें तो हमको मैक्सिमम फोर्स मिले। ठीक है बच्चों, मतलब उस कैपिटल क्यू चार्ज को जो इनिशियल कैपिटल क्यू पॉइंट चार्ज था उसको दो सेगमेंट में बांटा गया, बोला गया उसको किस रेशियो में बांटा जाए, चार्ज के किस रेशियो में बांटा जाए जब उन दोनों स्प्लिट चार्ज को सर्टेन डिस्टेंस पे रखें तो हमको मैक्सिमम फोर्स मिले। अब देखते हैं क्वेश्चन कहता है पॉइंट चार्जेस स्प्लिट इन द टू सेगमेंट एंड एट ए सर्टेन डिस्टेंस वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ चार्जेस ऑफ न्यू सेगमेंट सो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देयर विल बी मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, तो क्लास 11 में कैलकुलस हमने पढ़ रखा है, एक्चुअली इसको हम कैलकुलस मेथड से करेंगे तो हमारे लिए वो इजी होगा। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, जिसको याद नहीं एक बार हम डिवाइड कराते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्या होता है देखो बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। पहले हमने कहा मान लो वाई वेरिएबल का जो भी फंक्शन है जिसका एक्स का। ठीक है बच्चों, वाई इज द वेरिएबल विच इज फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, यदि हम चाह रहे हैं कि y की वैल्यू मैक्सिमम मिले, हम क्या चाह रहे थे कि y की वैल्यू हमको मैक्सिमम मिले। एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि dy/dx, ठीक है बच्चों, dy/dx मस्ट बी जीरो, किसके लिए, फॉर y मैक्स। यदि हम चाह रहे थे कि हमको y मैक्सिमम मिले तो उसके लिए क्या होना चाहिए, dy/dx का फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अच्छा ये एक्चुअल में ये कंडीशन दोनों की हो सकती है, फॉर मैक्सिमा की भी हो सकती है, ये फॉर मैक्सिमा या dy/dx हमको जीरो मिलना है तो मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है, वो मैक्सिमा भी हो सकता है वो मिनिमा भी हो सकता है, एक्चुअल ये होता है। तो अब कंफ्यूजन कि dy/dx जीरो आ रहा है हम ले लेते हैं तो हम किसको लेंगे, मैक्सिमा को लेंगे मिनिमा को लेंगे, तो उसको चेक करने के लिए एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो बच्चों, हमने कहा देखो यहाँ dy/dx = 0 से हम एक्स की वैल्यू ले लेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम 1। ठीक है बच्चों, अच्छा इसके बाद हम 1 को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो d²y/dx². ठीक है बच्चों, d²y/dx², यदि इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो हम कह सकते हैं दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, कि y की वैल्यू उसमें मैक्सिमा आएगी और यदि d²y/dx² का डिफरेंशिएशन लेस देन इज ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये y की कौन सी वैल्यू होगी, y की मिनिमम वैल्यू होगी, ये मिनिमम वाली कंडीशन होगी। बच्चों हमने क्या बोला, ये y का फंक्शन ऑफ x तो dy/dx फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x dy/dx 0 होना चाहिए, लेकिन कहते हैं कंडीशन में मैक्सिमम हो सकता है मिनिमम भी हो सकता है, उसको चेक करने के लिए कंफर्म करने के लिए हमने कह दिया यहां से dy/dx करेंगे, इसके बाद x की वैल्यू हमको जो मिलेगी उसको हम एक तरफ रखेंगे, फिर इसको फर्दर इसको हम
डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और यदि वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो वो कंडीशन होगी y की मैक्सिमा के लिए और यदि वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो वो कंडीशन होगी मिनिमा के लिए। ठीक है बच्चों, इसे न्यूमेरिकल वैल्यू से समझते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू से समझते हैं। ठीक है, इससे इसको नहीं समझता है, न्यूमेरिकल वैल्यू से देखते तो चार आसानी समझ में आया। ठीक है, हमने क्या बोला कि हमारे पास एक नंबर था 100, एक नंबर था 100। अब हम चाहते थे कि 100 को दो ऐसे नंबर में स्प्लिट करें जिससे कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम मिले। ठीक है, बिल्कुल सेम एप्लीकेशन है, क्यों बता रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में इसी एप्लीकेशन का यूज करेंगे, हम मैक्सिमम फोर्स निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या बोला कि हमारे पास एक नंबर था 100, हम चाह रहे थे 100 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करें जिससे कि उनका प्रोडक्ट जो नंबर मिला हमको उनको मल्टीप्लाई करें तो मैक्सिमम मिले। ठीक है बच्चों, तो वैसे तो डिटेल ट्रायल मेथड कर सकते हैं हम, लेकिन इससे हम करेंगे तो उनको एग्जैक्ट नंबर पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं, हमको सेम एप्लीकेशन करते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, हमें एग्जैक्ट नंबर ही क्या है ले, हमारे पास एक नंबर है 100 और उसको हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है जिससे कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम मिले। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हमने कहा कि एक्स, चलो इसको मैंने स्प्लिट किया, स्प्लिट इनटू टू नंबर, दो नंबर में हमने इसको स्प्लिट कर दिया। चलो लेफ्ट हमने एक नंबर माना एक्स और दूसरा नंबर क्या होगा भाई 100 - x होगा भाई। अच्छा, इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो तो हमने कहा प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, एक्स 100 - x समझा है बच्चों, 100 - x। अच्छा आप क्या करें, फॉर पी मैक्स, हमने क्या बोला फॉर पी मैक्स, पी की वैल्यू मैक्सिमम हो तो हमने क्या बोला उसके लिए क्या होना चाहिए, डी पी अपॉन डी एक्स क्या होना चाहिए, की वैल्यू मस्ट बी 0, क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। ठीक है, डी पी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से इसको हम स्प्लिट करते हैं तो अंदर क्या आना चाहिए 100x - x2 एक्स। ठीक है बच्चों, और इसका जो भी प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर आएगा, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। चलो देखते हैं, तो यहाँ से हमने किया तो इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आइडिया होगा, 100x / dx, 100 तो कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो यहाँ क्या लिखूंगा 100। अच्छा यहाँ पे देखो -x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमने कहा 2x होता था, डिफरेंशिएशन में पावर से मल्टीप्लाई करो, फिर पावर में 1 माइनस करके x सब सीख दो। ठीक है, तो पावर से मल्टीप्लाई किया, फिर पावर में 2 में से 1 माइनस किया, x पावर में मतलब x लिख दिया। अच्छा ये मस्ट भी क्या होना चाहिए 0, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 100/2 दैट इज 50 आ गया। अब दिक्कत ये 50 मैक्सिमम की कंडीशन हो सकती है, जैसे वो मिनिमम भी हो सकता है, तो एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं क्या इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या वैल्यू लेस देन 0 आती है, जब लेस देन 0 आती तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये स्प्लिटिंग पार्ट है उनका जो प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं, हमने क्या किया इसको याद रखा है दोस्तों। ठीक है, इसमें आप तो हमने कहा ये इसी क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं, यहाँ पे लेट यहाँ पे इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 को फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा b² p / dx². ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी, ये आ गई थी, ये आई थी बच्चों। ठीक है, तो हमने कहा देखो ध्यान से, ये क्या है 100 - 2x। ठीक है, ये जो है फर्दर जब किया हमने। ठीक है, अच्छा इसका देखो 100 कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और इसका इस बार क्या होगा -2। ठीक है, -2 का आया हमारा कॉन्स्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन सिंपल 1 होगा, तो -2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या देखो हमने d² p / dx² की वैल्यू क्या आई -2, इतना -2 विच इज लेस देन 0। ठीक है, तो मतलब क्या मिला आपको कि यदि एक्स को यदि 100 को हम एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड करें तो उनका प्रोडक्ट हमको मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब तो डिटेल में आके कैसे कर सकते हैं इसको, कि हमने कहा किसी ने बोला कि 100 को हम डिवाइड करें पहले 90 और 10 में तो प्रोडक्ट कितना मिलने वाला था हमको 900। किसी ने कहा ऐसे नहीं करते हम 80 और 20 में करते हैं तो कितना मिलेगा हमको
1600 किसी ने बोला नहीं भाई 70-30 में करो शायद वो सब अच्छा मिल जाए क्या ना 2100 किसी ने बोला नहीं भाई अभी तो 60-40 बढ़ता जा रहा होता है मिल जाए तो उससे ज्यादा भाई लोग को मिला ठीक है चलो कितना है भाई 2400 अच्छा अगला क्या डिवीजन होता है 50x50 जो कि हमारे हिसाब से आया कितना होना चाहिए 2500 तो इन सभी में सबसे इसको 40 जब घटाते जा रहे हैं तो घटाओ और इसको 60 तो हमने कहा ये तो फिर से रिपीटेशन से हो जाएगा तो मतलब क्या हुआ ये वैल्यू मैक्सिमम और हमारे इस मेथड से भी कितना आया था पार्टी क्या बोला कि एक्स को 50 तो होगी लेकिन पार्ट क्या होगा 100-50 मतलब 50 तो इस तरह हम मैक्सिमम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंशिएशन मेथड किया डिफरेंशिएशन मेथड को अप्लाई किया और एग्जैक्ट आंसर निकाल लिया ठीक है बच्चों चलो अब सेम एप्लीकेशन को इस क्वेश्चन में लगाते हैं और हम देखते हैं कि चार्ज का सेगमेंटेड चार्ज की वैल्यू क्या होगी सो डेट उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो मैक्सिमम है ठीक है बच्चों चलो चलिए चलो हमारे पास चार्ज था क्यू एक पॉइंट चार्ज था मैंने मान लिया इनिशियल पॉइंट चार्ज था हमारे पास ये क्यू था ठीक है एक क्यू था पॉइंट चार्ज इसको हमने स्प्लिट कर दिया दो चार्ज में ठीक है हमने कहा चलो एक स्मॉल सेगमेंट था स्मॉल क्यू और दूसरा वाला सेगमेंट था क्यू माइनस स्मॉल बोलो भाई ठीक है स्मॉल क्यू को मैंने ब्रेक किया सॉरी कैपिटल क्यू चार्ज को मैंने ब्रेक किया दो पार्ट में एक पार्ट मान लिया स्मॉल क्यू है तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू ठीक है अच्छा समझाया जी हमने कहा चलो मान लो इनके बीच डिस्टेंस आर उस पर रखिए हमको लगने वाला कूलम्बियन फोर्स क्या होगा इस दौरान साथ में बांटा था क्या होगा भाई के क्यू क्यू माइनस क्यू अपॉन अपॉन आर स्क्वायर ये होगा ठीक है लेकिन हमको ये फोर्स कोई सा फोर्स नहीं चाहिए हमको मैक्सिमम फोर्स के लिए डिस्टेंस आर करना है ठीक है यहाँ पे भाई वैल्यू क्या करा सकते थे हमने आर तो बार बार सेम रखेंगे वैल्यू क्या करते हैं हमने सेगमेंट को कभी क्यू को ज्यादा दिया चश्मा क्यू कभी कम दिया तो हम सोचते हैं कि उस वैल्यू को चाहिए हमको स्मार्ट क्यू की वो वैल्यू क्या होगी कैपिटल क्यू के रिस्पेक्ट में जिससे कि लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो ठीक है बोलते हो अच्छा ये पहले तो समझ आ गया जिससे लगाया कि 50-50% में डिवाइड करो तो 50-50% में तो क्या मतलब स्मार्ट क्यू की वैल्यू क्या आएगी कैपिटल क्यू बाई टू मानी चाहिए हम आराम से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हम तरीका सीखें जैसे करना होगा हमको ठीक है चलो देखते हैं बात तो हमने कहा इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए इसको और सॉल्व किया जाए जाने वाला के जो कि कॉन्स्टेंट था जिसकी वैल्यू 1/4 ठीक जिसकी जिसकी वैल्यू क्यू था 9 mm² हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रखा था सोचो यहाँ पे देखो ये कहा जाता है बजट में कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस स्क्वायर बोलो भाई आएगा अपॉन सॉरी इसको नहीं चाहिए अपॉन आर का स्क्वायर ठीक है आर का स्क्वायर चलो हमने कहा फॉर मैक्सिमम फॉर एफ मैक्स लेंगे डी एफ अपॉन डी क्यू क्या चाहिए डी एफ अपॉन डी क्यू वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो ठीक है तो चलो इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं मिक्सर पे तो चार ठीक है तो हमने कहा चलो इसको हम लिख लेते हैं के के कॉन्स्टेंट है इसको बाहर लेते हैं आर स्क्वायर भी ये हमेशा कॉन्स्टेंट मतलब इसको फिक्स रखेंगे जे हम क्या कर रहे हैं वैल्यू क्या करेंगे हमारा ये स्मार्ट क्यू की वैल्यू चेंज होती जाएगी ठीक है हमने क्या बोला चलो वैसे कर लेते हैं डी ब्रैकेट में क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी क्यू ठीक है बच्चों समझ आया आगे देखते हैं चलो ये कॉन्स्टेंट है इसको डाले देते हैं अंदर क्या बचा हमारा बिल्कुल बच्चे क्यू ये कैपिटल क्यू तो कॉन्स्टेंट है भाई तो ये भाई भी करा सकते हो किस कितने पार्ट में तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे कैपिटल क्यू कॉन्स्टेंट जो कॉन्स्टेंट को रहने दिया ठीक है इसको ये इसको बाहर रहने दिया तो अंदर क्या बचा कैपिटल क्यू इंटू डी क्यू का स्मॉल डी क्यू के एक्सटर्नल डिफरेंशिएशन क्या है कैपिटल क्यू माइनस ये क्या है 2 क्यू कितना आया भाई -2 क्यू ये किसके बराबर होना चाहिए इसका प्रोडक्ट जीरो के बराबर होना चाहिए जीरो के बराबर होना चाहिए तो यहां से इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो के अपॉन आर स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो सारा तो क्या बचेगा हमारा क्यू माइनस 2 क्यू इक्वल टू जीरो देन क्यू इक्वल टू क्यू बाई टू देखो आगे मतलब उस चार्ज को एग्जैक्टली हाफ पार्ट में हम डिवाइड कर दें और फिर उसको आठ डिस्टेंस पे रख दें तो हमको जो फोर्स मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा वो फोर्स क्या होगा मैक्सिमम मिलेगा आई बात समझे इसी में सेकेंड स्टेप क्या होता है क्वेश्चन पूछा था वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फोर्स क्या पूछेगा क्वेश्चन जिसका सेकेंड पार्ट क्या पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ मैक्स ठीक है
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि हमने तो यहां से निकाल दिया कि मैक्सिमम फोर्स कब मिलेगा जब हम चार्ज को एग्जैक्टली हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, ठीक है, हाफ सेगमेंट में स्प्लिट करेंगे और स्मार्ट स्प्लिट रखेंगे तो उनको फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। बस हमने कहा जो इक्वेशन नंबर वन बनाया था हमने, इक्वेशन नंबर इसको वन मान लेते हैं, इस इक्वेशन में स्मॉल की वैल्यू कैप्टन की वाइज को रख देंगे, हमको मैक्सिमम फोर्स मिल जाएगा, ठीक है, चलो रखते हैं। हमने कहा ये देखो एफ माइनस क्या होने वाला है, के के को रहने देते, के को रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या रखेंगे हम, स्मॉल की जगह कैपिटल को इसमें रख देते हैं, इसमें रखते हैं साल का, इसमें रहते हैं, चलो तो यहाँ पे स्मॉल की जगह के अपॉन आर स्क्वायर तो बना ले लो, अंदर क्या होता है भाई कैपिटल क्यू को ऐसा रहने दो, स्मॉल की जगह कैपिटल क्यू वाई को रख सकते हैं, जो नाम से कैपिटल स्मॉल की जगह कैपिटल क्यू वाई को रख सकते हैं। यहाँ पर देखो माइनस यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर बाई फोर, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई फोर, आगे देखो तो के अपॉन आर स्क्वायर ये क्या बचा अंदर कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय टू, ये क्या बचा भाई क्यू स्क्वायर बाय फोर, ठीक है, हाफ हाफ में से वन फोर्थ हटा दिए तो क्या बचा वन फोर्थ ही बचेगा, ठीक है, तो ये क्या देखो के की वैल्यू लेते वन अपॉन फोर बाई एफ साल नॉट, ठीक है, ये क्या बचा क्यू स्क्वायर और नीचे यहाँ पे क्या आएगा फोर आ जाएगा, टू आएगा तो हाफ में से वन फोर हटाएंगे वन फोर ही आएगा तो फोर और ये आर स्क्वायर, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं फाइनली एफ मैथ वैल्यू ले सकते हैं, एफ मैथ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगने वाला तो वन अपॉन सिक्सटीन पाई एफ साइड नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चा। तो मैथ सीखा डिफरेंट चीज से थोड़ा सा आना चाहिए कैलकुलस, जो मैथ पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा सा कैलकुलस हम जो भी कैलकुलस पोर्शन आएगा उसके थोड़ा सा हिंट आएगा हम रिवाइज कराएंगे, इसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम मैक्सिमम फोर्स के लिए क्वेश्चन वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, उनको मैग्नीट्यूड देगा तो हम आराम से बता सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन में हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि इतना करने की जरूरत नहीं, लेकिन सब्जेक्टिव हमको करके दिखाना होगा, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एनसीईआरटी का एग्जाम क्वेश्चन है, क्या दिया उसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसपे जिसके वर्टेक्स पे तीन चार्ज रखे हैं क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री, और तीनों चार्ज की जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है, इक्वल चार्ज है, ठीक है, नेचर भी इक्वल है उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि इसके सेंट्रॉइड इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड को एक दूसरा चार्ज कैपिटल क्यू रख दिया गया सेम नेचर पर, सेम नेचर मतलब क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, उसको रख दिया गया, पूछा गया कि वहां फिर मिला नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू विच इज पेयर डायरेक्टर सेंट्रोइड एंड इक्विलेटरल, ठीक है, तो उसको निकालते हैं कैसा तरीका होता है। देखो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि लास्ट अभी इससे पहले हमने सुपर पोजिशन बताया था, सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया था हमने, तो हमने क्या देखेंगे हमको देखना कि ये कैपिटल क्यू जो कि सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है वो कितने चार्ज के साथ कांटेक्ट में है, कितने चार्ज के साथ कांटेक्ट में है, हम तो क्या लिख रहा है एक चार्ज ए पॉइंट पे दूसरा बी पे और तीसरा बी, मतलब ये थ्री फोर्स का सिस्टम बनाया हुआ, ठीक है, थ्री फोर्स का एक सिस्टम बनाया हुआ, ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि सिस्टम ऑफ चार्जेस होंगे, कोई सिस्टम कई चार्ज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा एक बार में किसी एक चार्ज के कारण उस पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो देखेंगे, बाकी चार्ज को हाइड मार लेते हैं, ठीक है। तो चलो हमने पहले वन टू कंसीडर करते हैं, अच्छा बताओ ज्योमेट्री हम देख लेते हैं कि अच्छा ये ए डी लेंथ बता सकते हैं क्या होगा, वन मीटर लेंथ आप ए डी, यदि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये ए डी कितना है तो बी डी क्या होगा मैं एल वाई टू एल वाई टू होगा, तो क्या हम ए डी नहीं निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी से, ठीक है, हमको बेस पता हमको प्राथमिक पता तो क्या परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते बच्चों, तो उसको डायरेक्टली याद रखने की कोशिश करेंगे हम, जो ए डी होता है इस केस में उसकी वैल्यू होती है रूट थ्री बाय टू, कितनी होती है रूट थ्री बाय टू इन टू साइज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो यहां से दिखा दिया एल दे रखा है, ठीक है, समझाया। देखो भाई कूलम फोर्स लगाने के लिए, कूलम ला लगाने के लिए, फोर्स निकालने के लिए हमें क्या बताना चाहिए दोनों चार्ज की वैल्यू और उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, तो हमको हमारा मन होगा क्या है ए और ओ, ए से ओ की लेंथ कितनी ली निकालना है आपको,
ठीक है, मतलब ए बिलियन का आगे कितना हुआ, रूट थ्री बाई टू इंटू एल आर। होता क्या है, जो ए ओ होता है सिलिकॉन का इक्विलेटर के अंदर का, जो ए ओ होता है इट इज द टू थर्ड ऑफ ए डी। ये बताओ ना, जो ए ओ होता है लेंथ वो क्या होता है, टू थर्ड ऑफ द ए डी। ठीक है, टू थर्ड कर लेते हैं, क्या आ रहा है से? ये आएगा टू बाई थ्री रूट थ्री बाई टू इंटू एल। तो टू से टू कैंसिल, यहां पे लगेगा रूट थ्री आई एल, कितना आएगा रूट थ्री एल, सॉरी रूट थ्री एल अपॉन थ्री आ रहा, रूट थ्री से ऊपर नीचे क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बनेगा रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे देखो हमसे रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट थ्री थ्री इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या आएगा एल अपॉन रूट थ्री। ठीक है बच्चों, तो ये डायरेक्टली याद रखेंगे तो हमको ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है। ठीक, चलो आगे देखते हैं, तो क्या हम फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ए निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना क्यू पे लग रहा है बिकॉज ऑफ क्यू वन, तो हमने कहा इक्वल टू क्या होगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कैपिटल क्यू क्यू वन अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना निकाला था एल बाई रूट थ्री, इसका स्क्वायर करते हैं तो एल स्क्वायर रूट थ्री अपॉन क्या पॉइंट, तो ऊपर जाएगा तो कितना होगा थ्री। ठीक है, ले इसको हम एफ वन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एफ वन। अच्छा ये तो मैंने भी चुना दिया, बना डायरेक्शन की बात करते हैं, जो इसकी डायरेक्शन बिना हुई एफ वन की, तो मैंने कहा क्योंकि दोनों चार्ज का नेचर क्या है सेम है, तो ये रिपल्सिव नेचर होगा जो नाइन डायरेक्शन से अवे होगा, ये दिस डायरेक्शन यूनिट का डायरेक्शन ऑफ एफ वन। बोलो बच्चों, ठीक है, ठीक है, चलो इन द सेम वे, इन द सेम वे हम फॉलो करके टू क्यू टू जितना फोर्स लगाना होगा क्यू पे ये भी निकाल सकते हैं, तो इसकी क्योंकि नेचर सबका सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, तो इसका जो फोर्स की वैल्यू आएगी घर आएगी कितनी एफ टू, इनका सेम वे थ्री कितना लगाना होगा, ये आया हमारा एफ टू फोर्स ऑन क्यू ड्यू थ्री। ठीक है, अब देखो यहां पे सारे वैल्यू सेम, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री एज पर पोजिशन सेम है। ठीक है, डिस्टेंस यानी कि ए ओ ओ सी और ओ बी बराबर है। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं, यहां पे सब चीज आपको तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड भी क्या होगा बराबर होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा। आई बात समझे, बात समझा गए, तो हम लिख सकते हैं ये इक्वल टू एफ टू इक्वल टू एफ टू। अब हमको लगाना है यहां पे वेक्टर फॉर्म करना है, नेट फोर्स निकालने के लिए ओ पॉइंट पे तीन फोर्स लग रहे हैं, अगर यहां से देखो तीनों के बीच एंगल कितना लग रहा है 120 120 120, एंगल लिख रहा 120 120 120, तो क्या हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं, तो दो मेथड निकाल लेगा इसको वेक्टर फॉर्मूला अंदर लगा लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एफ टू और एफ थ्री का रिजल्ट टाइम निकालेंगे, एफ टू एंड एफ थ्री इसको अलग से देखते हैं, चलो ये हो गया इसको हटा दो मैं, इसको अलग से देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हमने कहा ये सेंट्रल का ओ, इस पे तीन फोर्स लग रहे थे, एक फोर्स नीचे एफ वन, एक फोर्स एफ टू एंड एक फोर्स इधर लग रहा था एफ थ्री, और तीनों के बीच एंगल कितना था 120 का। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन दोनों के कहा जो रिजल्ट टाइम फोर्स निकलने वाला है वो निकाल दे, हमने जो मान लिया। अच्छा, तो ये मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम तो डायरेक्शन क्या होगा, ठीक बीचों बीच होगा रिजल्ट टाइम हमारे साथ। ठीक है, इन दोनों के बीचों बीच में होगा। ठीक है, ये एफ हमारा एफ टेस्ट मान लेते हैं, एफ टेस्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो चलो वेक्टर फॉर्म कर लें, तो एफ टेस्ट क्या रहा होगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस 120। बोल सही है, एक वेक्टर है, एक वेक्टर है एफ टू, दूसरा वेक्टर है एफ थ्री, दोनों के बीच एंगल 120। तो मेजर टाइम वेक्टर कैसे निकालेंगे, मेजर टाइम फोर्स क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो मैंने यह लगा दिया, मुझे बोलता हूँ स्क्वायर करते हैं थीटा है, यह आएगा टू एफ स्क्वायर, टू एफ स्क्वायर अंदर क्या बचा प्लस, सॉरी अंदर क्या बचा प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस 120 की वैल्यू आई, कॉस 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने कहा देखो यहां से
cos 120 को हम ब्रेक कर सकते हैं cos 90 प्लस cos 90 प्लस 30 में ब्रेक कर सकते हैं ठीक है तो cos 90 प्लस 30 मतलब सेकंड वन है ठीक है तो क्या होगा cos 90 का क्या हो जाएगा sin अब सेकंड कोऑर्डिनेट में तो sin और cos की पॉजिटिव होता है रेस्ट नेगेटिव तो ये क्या हो जाएगा माइनस का sin थीटा ठीक है और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 तो यहां पर रखेंगे ब्रेकेट में 1/2 तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया ठीक है तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया अंदर का बचा एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर इसका जो हम रूट लेंगे क्या आ जाएगा एफ क्या आ भाई ऐसा ठीक है बात सुना ले हमें यहाँ पे क्या मान लिया कि ये सारे फोर्स क्या है बराबर है एज पर क्वेश्चन सारे फोर्स क्या होंगे बराबर होंगे मैग्नीट्यूड उनका बराबर होगा ठीक है तो हमको एफ डैश की वैल्यू कितनी आ गई एफ आ गया मतलब ये एफ टू और एफ थ्री का रिजल्ट है कि मैग्नीट्यूड का एफ आ गया जो कि क्या होगा ऊपर होगा अब यहाँ पे देखो अब हम इन दोनों फोर्स क्या रिजल्ट है निकाल देते हैं इनके कंपोनेंट को हटा दो इनके कंपोनेंट को क्या देखना हमको इस ओ पॉइंट पे दो फोर्स लग रहा है ओ पॉइंट पे दो फोर्स है एक एफ ऊपर और उसके अपोजिट में भी सेम फोर्स नीचे लग रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होने वाला है रिजल्टेंट फोर्स एफ रिजल्टेंट की बात करो तो क्या होगा एफ माइनस एफ रिजल्ट जीरो मतलब क्या होगा मैं मतलब इसका क्या होगा कि वो चार्ज जो सेंट्रोइड पे रखा होगा इक्विलेटर के अंदर के उसके ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा होगा जीरो मतलब कि वह इक्विलिब्रियम में होगा चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये भी एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया कि इक्विलेटर ट्रायंगल है ठीक है इक्विलेटर ट्रायंगल है उसके वर्टेक्स पे तीन चार्ज को रखा गया क्यू क्यू एंड माइनस क्यू ठीक है देखना क्यू क्यू एंड माइनस क्यू ठीक है मैग्नीट्यूड सेम है और ये थर्ड वाली चार्ज का नेचर अलग है ठीक है अपोजिट नेचर का ठीक है इसको रखा गया पूछा क्या गया कि फाइंड द फोर्स ऑन ईच चार्ज ठीक है हर चार्ज पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हमको निकालनी है हर चार्ज पे ठीक है हर चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है ठीक है तो चलो हम इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं ठीक है हमने क्या देखा कि कूलम्बियन फोर्स निकालने के लिए दो चार्ज के बीच में क्या चाहिए दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड चाहिए हमको ठीक है दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए ये हमको उसका नेचर पता चल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि फोर्स कैसा होगा अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा ठीक है और थर्ड वन क्या चाहिए दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस चाहिए यदि हमको ये पता चल जाए तो हम आराम से फोर्स निकाल सकते हैं ठीक है चलो यहाँ पे देखो ध्यान से देखा जाए फिर हम फर्स्ट चार्ज पे कंसीडर करें तो क्या दिख रहा है ये चार्ज अपने दो चार्जों के साथ फोर्स के इंटरेक्शन में समझ आया वन वाला थर्ड के साथ और वन वाला टू के साथ ये ठीक है हमें ए बी सी इसको डिफ्रेंशिएट करने के ठीक है हमें क्या देखा जो चार्ज वर्टेक्स ए पे रखा हुआ है उसको एक चार्ज बी फोर्स लगा रहा होगा और चार्ज जो कि सी पॉइंट पे रखा हुआ वो फोर्स लगा रहा होगा मतलब कि हर चार्ज में दो फोर्स लग रहे हैं तो उन दोनों को फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर उनका रिजल्ट निकाल देंगे ठीक है इस तरह हमको हर चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू निकाल ठीक है चलो वन बाय वन करते हैं चलो देखते हैं इनका बताओ फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू बी कितना होने वाला देखो आपके यहां पे फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू बी कितना होने वाला तो हमने कहा वन अपॉन फोर पाई एफ आर एन नॉट ठीक है क्यू वन क्यू टू इसलिए क्यू स्क्वायर लिखू में क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी भाई एल तो एल का स्क्वायर बोलो बात सुना नहीं ये समझा रहे हैं अब नेचर की बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमने कहा इसकी डायरेक्शन जो होगी क्योंकि ये सेम नेचर का तो रिपल्सिव होगा तो इसका डायरेक्शन ये होगा तो ठीक है तो हम इसको ऐसे ही लेते हैं एफ ए लेते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बात सुना गई चलो अच्छा अब देखते हैं इस चार्ज पे ये चार्ज जितना फोर्स लगा रहा है तो हमको देखने में आ रहा है कि लेंथ तो सेम है दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस सेम है मैग्नीट्यूड भी सेम है बट नेचर क्या है अलग है ठीक है तो चलो हमने क्या मान लेते हैं एफ ए ड्यू टू सी ठीक है फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी तो हमने क्या कहा मैग्नीट्यूड तो सेम दिख रहा है देखो ध्यान से जो मैग्नीट्यूड तो सेम दिख रहा है ठीक है लेकिन यदि
नेचर अपोजिट है तो ये कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स डायरेक्शन लेते हैं यहाँ पे, तो इस बार डायरेक्शन जो होगा टुवर्ड द चार्ज माइनस ए, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। समझा भाई ये बात समझा गई, चलो जल्दी से देखें। तो हमने क्या देखा, अच्छा बताओ ये पूरा एंगल कितना, ये पूरा कितना एंगल 180, इक्विलेटरल एंगल का इस वर्टेक्स कितना एंगल बना रहा होगा 60, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 120। समझ आ रहा है, मतलब कितना दो फोर्स है, दो फोर्स है, दोनों फोर्स कितने हैं के बीच एंगल कितना 120। तो क्या डेल्टा फोर्स निकाल सकते हैं, कैसे हमने क्या बोला से एफ फोर्स ऑन ए, और कौन सा है इंडेक्स फोर्स, ए पे इंडेक्स फोर्स निकालने वाला हम कैसे निकालते हैं, हमने कहा कस्टम देखो नाम से बता देंगे एफ ए बी का स्क्वायर एफ ए सी का स्क्वायर प्लस टू एफ ए बी एफ ए सी कॉस एंगल कितना 120, कॉस 120 ठीक है, प्लस इसको हम ये मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, इसको भी एफ मान लेते हैं, क्योंकि सभी को एफ मान लेते हैं, तो यहाँ पे दो यहाँ से रखने वैल्यू तो क्या आने वाला है एफ प्लस एफ टू एफ, ठीक है, अभी अभी निकाला था कॉस 120 की वैल्यू, इससे पहले में कितना कितना निकाला था माइनस का 1/2, ठीक है, टू यहाँ पर से हमने कहा क्या है देखो टू एफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू एफ स्क्वायर 1/2, और ठीक है इस टू से ए को कैंसिल, टू एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर कितना बचेगा एफ स्क्वायर का रूट, ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या देखा, तो इस पर रिजल्टेंस फोर्स कितना आ रहा है एफ, अब उसको एफ को निकालना था क्या 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन मासनाली, ठीक है, आ गया रिजल्टेंस फोर्स ऑन चार ए, ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, अब दूसरा सेकंड पॉइंट पे देखते हैं, किस समझ आ गया, ठीक है, देख लेते हैं बी पे देखो सेम नेचर, ठीक है, हमने कहा देखो बी पे जो लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा जिसको हमने एफ माना था, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन इधर होगा देखो जहां से ये होगा, तो ये क्या बनेगा फोर्स ऑन बी डी टू ए, समझाएगा, इसको हमने क्या माना था, एफ मान लिया था, ठीक है, अच्छा ठीक इसी तरह फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी कितना होने वाला है, हमने कहा इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा, पर डायरेक्शन क्या होगा टूवर्ड द सी होगा, क्योंकि चार्ज का नेचर ऐसा अपोजिट नेचर है, तो ये क्या होगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम आएगा, चलो एंगल दोनों जगह कितना भाई 120, तो क्या रिजल्टेंस सेम नहीं होगा जैसा कि ए पे आना था, बोलो एक इसको करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, क्योंकि बिल्कुल सेम है तो, ठीक है, हमने कहा दो फोर्स आया जिसका मैग्नीट्यूड सेम था, दोनों के बीच एंगल भी सेम था, तो रिजल्टेंस भी सेम आएगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं एफ बी ने, ठीक है, बी पे जो चार्ज लगता है पहले फोर्स कितना होने वाला है एफ के बराबर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या आया था 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन, ठीक है बच्चों ये समझ में आ गया, चलो जल्दी से थर्ड वाला लेते हैं, अब यहाँ पे जो ध्यान से ये चार्ज वैसा है माइनस चार्ज है, लेकिन ये भी चार्ज दो चार्ज के साथ इंट्रैक्शन में है, ठीक है, तो वह भाई वहां देखते हैं सी पे फोर्स ड्यू टू द ए कितना होने वाला है, ड्यू टू द ए कितना होने वाला है ध्यान से फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ठीक है, तो हमने कहा फोर्स सेम होगा क्योंकि सब कुछ तो वैल्यू सेम, देखो क्यू क्यू डिस्टेंस दोनों के बीच में भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होने वाला है, ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया था एफ मान लिया, ठीक है, तो डायरेक्शन की तरफ होगा टूवर्ड द ए, ये देखो ये फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, इन द सेम वे, इन द सेम वे इस पे एक फोर्स बी भी तो लगाया होगा, देखो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो इसका भी वैल्यू क्या आने वाला सेम आने वाला है कि नहीं, क्योंकि सब कुछ सेम है भाई, अच्छा इस बार दो फोर्स मिला हमको सी पे दो फोर्स मिला, अब दोनों फोर्स के बीच एंगल कितना इस बार आ रहा भाई 60 डिग्री, इस बार कैसा रहा 60 डिग्री एंगल आ रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, रिजल्टेंस को निकाल सकते हैं एफ सी डेल्टा होने वाला भाई, एफ सी डेल्टा होने वाला है, तो हम अंदर रूट एफ स्क्वायर प्लस
f square plus 2f square cos 60, cos 60. यहाँ पे ध्यान से देखो, 2f square plus 2f square cos 60 क्या बचा भाई? 1 by 2, कितना होता भाई? 1 by 2 कर दिए, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? root 3f square, बाहर जब f square का root कितना? f आ गया, f root 3, ठीक है? तो इस तरह हमने तीनों चार्जों पे नेट फोर्स कितना लगा था वो निकाल दिया हमने, ठीक है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है कि दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ अनइक्वल चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर विद एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ 0.108 न्यूटन वेयर देयर सेंटर ऑफ सेंटर सेपरेशन इज 0.5 मीटर, ठीक है? दो आइडेंटिकल स्फीयर है, मतलब उनका डायमेंशन सेम है, ठीक है, लेकिन चार्ज अलग अलग है, चार्ज कैसे अलग अलग है, और वो दोनों को जब 0.5 मीटर की डिस्टेंस में रखते हैं तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं, फोर्स की वैल्यू कितनी है भाई? 0.108 मीटर है। अच्छा, इसके बाद क्या किया, उन दोनों कंडक्टिंग स्फीयर को किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है, तो वायर से कनेक्ट किया तो चार्ज का फ्लो होना शुरू हो गया। अच्छा, अभी मैंने बताया था मेजर बाई कंडक्ट चार्जिंग बाई कंडक्शन, उसमें मैंने बताया था ये दोनों बॉडी आइडेंटिकल होगी तो आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ द चार्ज जो चार्ज की वैल्यू होगी वो एक्जेक्टली दोनों में हाफ ऑफ हो जाएगी ना, तो उसी मेथड को यहाँ पे यूज करना है, ठीक है? तो अच्छा, उसको हमने क्या किया, दोनों स्फीयर को वायर से कनेक्ट किया, चार्ज फ्लो होना शुरू हो गया, कब तक हुआ, जब तक कि चार्ज इक्वल ना हो जाए दोनों में, ठीक है? अच्छा, इसके बाद जब उनको फिर से उसी सेम डिस्टेंस पे सेपरेट आउट करके रख दिया गया, अभी फोर्स की वैल्यू और नेचर भी बदल गया, अभी तक चल रहे इसके पहले वो कैसा नेचर था, अट्रैक्टिव नेचर से उतर रहा था, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी थी फोर्स की, 0.108 न्यूटन थी। अभी क्या हुआ, जब हम कॉन्टेक्ट लेने के बाद उसको हटा दिया गया, अभी फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, कम होगी देखो, 0.036, और नेचर भी बदल गया, ये रिपेलिंग नेचर हो गया, रिपल्सिव नेचर से बनने लगा, ठीक है? तो पूछा कि व्हाट विल बी द इनिशियल चार्ज ऑफ स्फीयर, ठीक है, इनिशियल चार्ज ऑफ स्फीयर। सो बच्चों, हम तरीका सीखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो चलो, हमने ये मान लिया कि ये चार्ज था माइनस क्यू, ठीक है, और दूसरा चार्ज था प्लस क्यू, ठीक है भाई? क्यू वन मान लेते हैं, क्यू वन मान लेते हैं, क्यू वन एंड क्यू टू, ठीक है, क्योंकि चार्जेस अलग है, ठीक है, लेकिन जो जो चार्ज बॉडी है जो उसका डायमेंशन सेम, ठीक है? तो जब हमने माना माइनस क्यू वन था, ये प्लस इधर और दूसरा क्यू टू था, इसकी भी डिस्टेंस आर है, तो क्या इसमें लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स दिखा सकते हैं? एफ, इसको एफ इनिशियल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको एफ इनिशियल, ठीक है? जब कितनी आई वैल्यू इसकी, 1/4πε0, ठीक है, क्यू वन, अच्छा क्यू वन को क्या है, माइनस में, ठीक है, और क्यू टू, देखिए माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि ये वाला फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ठीक है, क्यू टू अपॉन अपॉन आर स्क्वायर, बोलो ये वैल्यू होगा, रखते हैं इसकी वैल्यू, रखते क्या आने वाला है, ध्यान दें एफ ने कितना लिखा है, 0.108, ठीक है, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती, 9×10⁻⁹, ठीक है, ये आएगा माइनस क्यू वन माइनस क्यू वन क्यू टू, ठीक है, अपॉन अपॉन आर दे रखा है कितना, 0.5, कितना दे रखा है, 0.5 मीटर, तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 0.25, ठीक है, 0.25 आएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, तो क्या आ रहा है, क्यू वन क्यू टू की वैल्यू कितनी आ गई, 0.108×0.25 अपॉन अपॉन इसका माइनस हो जाएगा, माइनस अपॉन 9×10⁹, तो आया यहां से कितनी वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करते हैं, यहां से देखो तो इसको हम काट सकते हैं, ठीक है, इसको हम काट कर सकते हैं, इसको तो क्या आ जाएगा, हमको डेसिमल हटा के 0.01 हुआ है, 9 से कट गया, अच्छा 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2
इनटू 10 के पावर के ऊपर आएगा तो माइनस कितना आएगा माइनस 9 ठीक है माइनस 9 आएगा ठीक है तो यहां से अगर इस एलिमेंट में रेशियो भी माइनस में रेशियो भी माइनस में ठीक है चलो तो हमने क्या देखा यहां पे जो Q2 के लिए इक्वेशन बनाते थे Q2 कितना आ जाएगा इसको और सॉल्व करते हैं और हम इसको अच्छे से सॉल्व करें तो क्या आने वाला है हम 9 1 2 3 इसको ऐसे करते हैं 3 इंटू 10 की पावर मैंने 1 2 3 कटाया यहाँ पे 3 माइनस वैल्यू और माइनस इसको वहां गए उससे एड किया पहले में जो है तो माइनस का 12 आ जाएगा अपॉन Q1 इसी क्वेश्चन नंबर क्या मान लेते हैं इसको 1 ठीक है तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे माइनस का 3 इंटू पावर माइनस 12 अपॉन Q1 ठीक है इसी क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं अच्छा अभी क्या किया मैंने इन दोनों चार्ज को आपस में कॉन्टेक्ट में लाया इन दोनों चार्ज को आपस में क्या किया गया किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया तो चार्ज का फ्लो होना शुरू हो गया ठीक है चार्ज का फ्लो होना शुरू हो गया तो आफ्टर इसके बाद हमने उसको सेम डिस्टेंस से सेपरेट आउट कर दिया ठीक है सेपरेट आउट करने का हमने क्या किया ये डायमेंशन सही होगा याद करो अभी मैंने बताया था कि यह डायमेंशन सही होगा कंडक्टिंग बॉडी का जो चार्ज का इक्वल ट्रांसफर होगा तो मतलब इस पे नया चार्ज Q1 डैश मान लेते हो क्या मान लेते Q1 डैश कितना आ गया वो आ गया होगा तो यहाँ पे इसमें ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज मिले हमारा ठीक है ना ठीक है तो हमने कहा कि Q1 डैश कितना हो जाएगा हमने कहा Q1 प्लस Q2 / 2 होगा कि नहीं होगा बताओ अभी लास्ट क्लास में बताया था अभी इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस करने लगाया था अच्छा Q2 डैश क्या होगी Q2 डैश की वैल्यू कितनी हमने उसका भी सेम होगा क्यों क्योंकि जो यहाँ पे लिखा है कैसा आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है ठीक है उस केस में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है बोलो आगे समय चलो अच्छा नाउ अभी सेम डिस्टेंस पे ले जाकर रख दिया गया तो अभी फोर्स करने वाला एक्स्ट्रा फोर्स निकाल दे चलो इस प्रकार ये क्वेश्चन बिठा लेते हैं बच्चे इस क्वेश्चन बिठा लेते हैं बैठे हटा लेता हूँ ठीक है तो यहां से इसको हटाया मैंने चलो अब हम एफ फाइनल की बात करते हैं एफ फाइनल की बात करते हैं फोर्स फाइनल क्या होगा जब हम दोनों का कंडक्टिंग वायर को आपस में मिला के फिर सेपरेट आउट करते हैं सेम डिस्टेंस पे ठीक है चलो तो हमने कहा 15 1/4 πε ठीक है अभी Q1 डैश क्या बनेगा Q1 प्लस Q2 / 2 अब Q2 डैश क्या बनना भाई वो भी Q1 प्लस Q2 / 2 बोलो सही है अपॉन अपॉन डिस्टेंस अभी भी सेम है तो 0.5 स्क्वायर 0.25 ठीक है चलो फाइनल फोर्स कितना होगा तभी 0.036 इक्वल टू इसकी वैल्यू लगते तो 9 आ गया इसको देखो हमसे Q1 प्लस Q2 / 2 ये भी सेम है तो स्क्वायर कर सकते हैं लोगों का तुम क्या लिखते हैं यहाँ पे Q1 प्लस Q2 / 2 अपॉन 4 × 0.25 ठीक है साउंड करते हैं जो 25 से 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा ठीक है और दो पॉइंट के बाद हम डेसिमल लगाते हैं तो 1 आ जाएगा उसके मतलब 1 मान लेते हैं बचा क्या ओवरऑल क्या होता है हमारा देखो जब से Q1 प्लस Q2 / 2 किसके बराबर होगा 0.036 / 9 × 10⁻¹ ठीक है और सॉल्व करते हैं इसको ठीक है और उसको इजी करें तो 4 × 10⁻¹² कितना आ गया भाई Q1 प्लस Q2 कितना Q1 प्लस Q2 / 2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 × 10⁻¹² आ गया तो बताओ Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी आ गई स्क्वायर रूट तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻¹² बोलो भाई ये इसकी वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ठीक है तो हमने कहा Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी होगी हमने स्क्वायर रूट कर दिए ठीक है कितना आ गया 2 × 10⁻¹² ठीक है अब देखो हमने क्या बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 से Q2 की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करते हैं ठीक है तो हमने क्या किया कि पुट द वैल्यू ऑफ Q2 फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 ठीक है रखिए पहले तो क्या देखो Q1 प्लस अब तुम्हें यहां पे Q2 किसका है माइनस में है
माइनस पे कुछ करके माइनस 3 × 10^-12 अपॉन क्यू वन, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर है भाई, 2 × 10^-6। बोलो यहाँ पे बात सोल्व करिए, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 2^-3 × 10^-12 अपॉन क्यू वन, बोलो इक्वल टू 2 × 10^-6। बोलो भाई ये बात सुना रही है, ये बात सुना रही है, ठीक है, चलो आगे देखिए, आगे देखते हैं इसमें, तो आगे करेंगे इसमें क्यू वन की यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा भाई, क्यू वन आ जाएगा तो क्या बनेगा, q1^-3 × 10^-12 अपॉन क्यू वन बनेगा, इक्वल टू कितना, 2 × 10^-6, ठीक है, आगे देखें इतना बना q1^2। अच्छा इसके मल्टीप्लाई हुआ तो 2q1 × 10^-6 आएगा, इसको हम इधर ले आएंगे इसमें आएगा माइनस में, तो क्या आएगा माइनस 2q1 × 10^-6 − 3 × 10^-12 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे कंपेयर करें, कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0, यहां से कंपेयर कर सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर निकाल सकते हैं यहां से, ठीक है, तो चलो इसको आगे करें, आगे जाते हैं इस इक्वेशन को आगे बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फोर्स के इक्वेशन से हमको ये क्यू1 क्यू2 का रिलेशन बना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो जल्दी देखते हैं, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखूं वहां पे बताइए जल्दी से, देखिएगा तो x के लिए b² तो b की वैल्यू हमने क्या लिखा था -2, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -2 × -2 कितना 4 × अच्छा स्क्वायर करें, स्क्वायर में हमारा जो 10^2 होता है जाता है उसमें मल्टीप्लाई होता है, 2 से मल्टीप्लाई करें 10^-12 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 4 ac कितना हुई 1, c कितना है -3 × 10^-12, तो भाई ठीक है अपॉन 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी हुई 1 है, चलो सॉल्व करें, जो फिगर मैंने बनाया था q1 को माइनस, इसलिए हमको q1 की कौन सी वैल्यू लेनी है हमको -1, तो ये वाला हमारा वैल्यू, ठीक है, ये वन की वैल्यू, अच्छा बताओ इस इक्वेशन में रहते हैं, चलो अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी डिवाइड नहीं किया, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 है ना भाई ये, ठीक है, 4 + 2 = 6 बाई 2 भी करना पड़ेगा ना यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी +3 × 10^-6, इसको ध्यान देना होगा, ठीक है, आगे देखो तो हमको हमने बता देंगे p1 की कौन सी वैल्यू लेनी है माइनस की प्लस, हमने क्या बोला कि शुरू में क्वेश्चन में हमने फिगर में q1 को क्या लिया था भाई, क्या लिया था q1 में बनाया होगा उसको क्या लिया माइनस में लिया था, इसलिए हमको माइनस की वैल्यू यहाँ पे −1 ठीक है, इस माइनस में पूरी जाना है तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा भाई प्लस, तो q2 = क्या आया 2 × 10^-6 + 1 × 10^-6 = 3 × 10^-6, ठीक है, तो हमारा q1 q2 की वैल्यू सॉल्व हो गया, ठीक है, तो ये बेहतर होना चाहिए, ठीक है, देखिए अगर लंबा लग रहा है जल्दी कैसे है, ठीक है, लेकिन आप करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम क्यों इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला कि अ लीनियर नॉन कंडक्टिंग रॉड है, कैसा रॉड है भाई, लीनियर और कैसा कंडक्टिंग रॉड है, आप चार्ज इसके टोटल चार्ज क्या है उस रॉड पे क्यों है जिसकी डेंसिटी कैपिटल एल है रखा हमने, ठीक है, तो क्या बोला अ पॉइंट चार्ज क्यू इज टेकन एट डिस्टेंस r फ्रॉम द क्लोज रिंग डिटरमाइन द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द चार्ज क्यू, ठीक है, उसी के संबंध में हमने कहा एक रॉड है हमारे पास कंडक्टिंग रॉड है वो, ठीक है, ठीक है, मान लिया इस पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज कितना इसका ले रखा है क्यू, टोटल चार्ज कितना ले रखा है क्यू, और लेंथ दे रखी बोली कैपिटल एल, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है
वो कैसा यूनिफॉर्म है ठीक है ओवर द लेंथ ठीक है ओवर द रॉड ऑफ लेंथ में हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा यूनिफॉर्म है ठीक है चलो रॉड के वन एंड से ठीक है हमने कहा इसके इस एंड से आर डिस्टेंस पे कितना कितना देखा है आर डिस्टेंस पे क्वेश्चन है ठीक है आर डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज रखा है क्यू ठीक है तो हमने कहा इस पे निकालना आपको नेट फोर्स कितना नेट फोर्स लग रहा होगा इसको निकालना ठीक है आप देखो ध्यान से हमने कहा ये जो रॉड है हमने कोलंबियन फोर्स पढ़ा लिखी किसके लिए पढ़ा था पॉइंट चार्ज के लिए ये तो चार्ज लाइन चार्ज आ गया हमारा फिर इसको कैसे निकालेंगे ठीक है तो हमने क्या करना होगा ये पॉइंट चार्ज होता तो निकालना हमारे लिए बहुत आसान है सीधा फॉर्मूला लगा था आंसर आता लेकिन ये एक चार्ज कैसा पॉइंट चार्ज है दूसरा चार्ज कैसा लाइन चार्ज है ठीक है तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में फोर्स निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा ठीक है बच्चों चलो लगाते हैं आप टेंशन नहीं हमने क्या माना इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है हमने ये माना कि एक स्मॉल सेगमेंट ले लिया एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ ये रॉड कंडक्टिंग बात कर लिया और ये माना कि इस रॉड का जो सेगमेंट है कितना साइज है डी एक्स ठीक है कितना डी एक्स साइज का जिसपे चार्ज कितना है डी क्यू क्या मान लिया उसपे चार्ज डी क्यू है ठीक है हमने क्या माना कि इस रॉड का एक बहुत ही छोटा सेगमेंट लिया डी एक्स लेंथ का और जिसपे चार्ज कितना है डी क्यू है बात समझ आई ठीक है चलो हमने क्या बोला कि यहां से इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह मान लीजिए स्मॉल सेगमेंट लिया तो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा अच्छा बताओ इस पॉइंट चार्ज के कारण इस दूसरे चार्ज की कितना फोर्स लग रहा होगा हम निकाल सकते हैं हमने मान लिया चलो इस पॉइंट चार्ज की इस पॉइंट क्यू से डिस्टेंस कितनी भाई एक्स कितनी है एक्स मान लेते हैं तो बताओ ये स्मॉल चार्ज इस चार्ज क्यू पे कितना फोर्स लग रहा होगा बता सकते हैं हमने कहा बिल्कुल डी एफ क्योंकि भाई चार्ज की वैल्यू छोटी है तो फोर्स भी कैसा होगा छोटा होगा तो डी एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी क्यू अपॉन क्यू डी क्यू अपॉन क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर बोलो भाई ये बात समझ आ रही है ठीक है चलो आगे देखते हैं हमने कहा देखो हमें ये बार बार मैं क्या कह रहा हूँ कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस रॉड पे कैसा है यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म है ठीक हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट यहाँ से काटे और सेम तरह का सेगमेंट कहीं कहीं से भी काटेंगे तो उस पर जो चार्ज की वैल्यू आएगी सेम आएगी समझ आया चलो वैसे एक कॉन्सेप्ट होता है चार्ज डेंसिटी का लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है डिफरेंट टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं इसमें से एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी वो हम लोग देखते आते हैं यहाँ पे मैं लोग करते हैं नॉर्मल वर्क हमने क्या बोला देखो ध्यान से हमको बस इस डी क्यू चार्ज ठीक है इस डी क्यू चार्ज की बात करें यहाँ पे देखो ध्यान से डी क्यू चार्ज की वैल्यू कितनी होगी टोटल चार्ज के रिस्पेक्ट में तो हम अपना आंसर निकाल सकते हैं ठीक है देखो ध्यान से क्या करते हैं अच्छा डी क्यू जरूरी है देखो यहाँ पे माना कि टोटल चार्ज क्यू ठीक है टोटल चार्ज क्यू रॉड की लेंथ कितनी भाई एल लेंथ की रॉड का एल लेंथ पे रॉड है तो उस पर टोटल चार्ज क्यू है तो ये वन का होगा यूनिटी का होगा कितना होगा भाई क्यू बाई एल इसी को चार्ज डेंसिटी बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं अच्छा मैं बता सकता हूं ठीक है अच्छा मान लो यही सेगमेंट की लेंथ कितनी होती टोटल लेंथ पे टोटल चार्ज क्यू यूनिटी पे कितना होगा क्यू बाई एल तो डी एक्स सेगमेंट का चार्ज की वैल्यू कितनी होती है निकाल सकते हैं कि नहीं मेरे को डाल डी एक्स कितना होगा मैं कह सकूं तो क्यू इंटू डी एक्स अपॉन एल बताओ ये डी क्यू के बराबर होगा कि नहीं ध्यान से देखो क्या क्या मैंने टोटल लेंथ का चार्ज कितना टोटल डेल्टा क्यू तो यूनिट लेंथ का कितना होगा क्यू अपॉन एल होगा तो डी एक्स सेगमेंट का टोटल चार्ज कितना होगा तो क्यू डी एक्स अपॉन एल और डी क्यू की जगह रिप्लेस कर सकते हैं इसको चलो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं डी क्यू की जगह तो क्या आ गया हमारा दूसरे नाम से यहाँ पे लिखो आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा डी एफ जो हुआ हमारा वन अपॉन फोर पाई एफ साइलेंट नॉट ठीक है चलो क्यू तो पहले से था ये पॉइंट चार्ज है ठीक है अच्छा ये टोटल चार्ज के स्पेक्ट में क्यू बाई एल इंटू डी एक्स बोलो बेटा क्यू बाई एल इंटू डी एक्स अपॉन अपॉन इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है अपॉन एक्स स्क्वायर ठीक है
अब जो मैं आपके काम से हमें क्या होगा कि जैसे जैसे हम इस रॉड पे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमारा एक्स भी करता रहेगा, वाई भी करता रहेगा, डी भी करता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम वाई जाएंगे चार्ज की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, बढ़ते जाएंगे, टोटल चार्ज कवर होगा तब यहाँ पे आते, ठीक है। जब हम यहाँ इस पॉइंट से चलते हैं और लास्ट इस पॉइंट तक आते हैं तो टोटल रॉड को हम कवर कर लेंगे, टोटल चार्ज को कवर कर लेंगे, ठीक है। हमने एक्स के साथ साथ हमारा ये वाई भी कर रहा है, ठीक है। चलो तो हमने क्या करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन मेथड लगाते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं। लिमिट क्या होगी हमारी, हमारी लिमिट होगी देखो भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी आर और पूरी तरह आर प्लस एल तक, देखो यहाँ से कहा लीजिए आर से लिमिट क्या लेंगे आर प्लस एल तक लिमिट ले सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, जब हम ये लिमिट दे दें तो हम लोग टोटल फोर्स इस रॉड के तरह इस ग्राफ पे जितना लग रहा है हम निभा सकते हैं, ठीक है। चलो अगर तो वन अपॉन फोर बाई एल का लेना कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल ये कॉन्स्टेंट है बाहर निकालने अंदर क्या होता हूं इंटीग्रेशन लगा दें, इंटीग्रेट कर दें, लिमिट आर से आर प्लस कैपिटल एल ले दें और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल फोर्स आ जाएगा भाई, उस कंडीशन में टोटल फोर्स निकल आएगा, ठीक है। क्या करें कॉन्स्टेंट को बाहर रखो, कॉन्स्टेंट को बाहर रखा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे तो ठीक है इंटीग्रेशन का मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत हिंट देते रहेंगे, अब देखो जिसको नहीं पता जिसने इंटीग्रेशन में भूल गया उनके लिए कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स पावर माइनस टू डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या होता है इंटीग्रेशन में क्या करते हैं प्लस पावर में प्लस वन करते हैं देन रिजल्टेंट पावर जो हमको मिलेगा उससे डिवाइड कर देते हैं, समझ आया क्या करना है इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में क्या होता है तो पावर जो अभी है उसमें क्या करेंगे इंटीग्रेशन में प्लस वन कर देंगे, पावर में वन ऐड करेंगे फिर रिजल्टेंट पावर जो बनेगा उससे डिवाइड कर देंगे, चलो करते हैं। तो हमने क्या देखा एक्स की पावर कितना है माइनस टू, तो मैंने क्या बोला पावर में एक ऐड करो और रिजल्टेंट पावर कितना बचा उसे डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो तो कितना आ गया भाई माइनस टू प्लस वन जाएगा एक्स की पावर माइनस वन, ठीक है। अपना नीचे कितना है माइनस वन देखो यहां से, अच्छा इसको फिर से वापस ले हम एक्स पावर माइनस वन बुझा देंगे माइनस बाहर ये वाला माइनस बाहर और एक्स की पावर माइनस वन को वन अपॉन एक्स ले सकते हैं कि नहीं सिंपली बोलो इंटीग्रेशन के मतलब तो सिंपल ये कुछ किसी फॉर्म में है इसको लिखूंगा आप भी क्या सीधा सीधा माइनस का वन अपॉन एक्स माइनस का वन अपॉन एक्स लिमिट कर देंगे आर से लेके एल प्लस आर तक, ठीक है। चलो अगले इसमें तो एक्स इक्वल टू आने वाला देखो नाम से वन अपॉन फोर पाई एफ साइव नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल ब्रेकेट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस पहले से बाहर है तो ऐसा करते हैं रिवर्स करते हैं लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट को क्या समझे इसका मतलब क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यही एक माइनस पहले से तो क्या करें हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन अपोजिट हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो क्या करें एक बार देखिए वन अपॉन आर लोअर लिमिट माइनस एक बार एक्स की वैल्यू लेंगे अपर लिमिट वन एल प्लस आर, ठीक है। चलो एलसीएम ले लेते हैं सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके सॉल्व करके क्या आएगा वन अपॉन फोर पाई एफ नॉट क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल यहाँ पे देखो ऐसे में होगा, ठीक है। ऊपर क्या देगा एल प्लस आर ठीक है माइनस आर, ठीक है। इस माइनस के प्लस कैंसल हो गया एक एल से कैंसिल करती है तो ओवरऑल आंसर हमारा जो क्या है वैल्यू वन अपॉन फोर बाई एफ चाहे नॉट क्यू क्यू अपॉन आर ब्रेकेट में एल प्लस आर, ठीक है बच्चों। तो ये है मेथड निकालने का किसी कंडक्टिव रॉड के कारण किसी दूसरे पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स मिलता है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको इजी पड़ेगा, हमको कंप्लीट इजी नहीं करेंगे डायरेक्टली फॉर्मूला से मान आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या किया टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज
जिसकी वैल्यू क्या है कैपिटल टी, ठीक है, एट द पोजिशन कोऑर्डिनेट दे रखा है एक्स वाई कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा ए एंड जीरो कॉमा माइनस ए, ठीक है, एंड अनदर पॉइंट चार्ज क्यू, इस बार क्यू रखा है कहां पे, ठीक है, एक्स कॉमा जीरो कोऑर्डिनेट में रखा हुआ, ठीक है, तो इसको पहले फिंगर से समझते हैं कैसा चिन्ह रहा होगा इसका, उसे समझते हैं, तो हमने कहा ये देखो कोऑर्डिनेट बना लें, ठीक है, ये प्लस एक्सिस, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई एंड ये माइनस, ठीक है, तो चलो देखते हैं पोजिशन की बात करते हैं, दो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, आइडेंटिकल है, कैपिटल क्यू क्योंकि कहां है, एक है जीरो कॉमा ए मतलब प्लस वाई एक्सिस पे, ठीक है, चलो ये मिड पॉइंट है, यहां से ये चार्ज है हमारा ए प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस यहां से आते कितनी भाई ए, ठीक है, दूसरा चार्ज हमारा क्यू कहां पे है भाई जीरो कॉमा माइनस है मतलब ये माइनस वाई एक्सिस पे जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ ये, ठीक है, लेकिन दोनों के बीच डिस्टेंस कितने हो गई टू ए हो गई, ठीक है, टू ए हो गई, अच्छा थर्ड जो चार्ज है कैपिटल एफ वन क्यू, ठीक है, वैल्यू का वो कहां पर प्लेस है एक्स कॉमा जीरो मतलब वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और सेंटर से यहां से कितना एक्स डिस्टेंस पे, यहां पे एक्स डिस्टेंस पे थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है यहां पे, ठीक है, यहां पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा हूं, ठीक है, जिसकी सेंटर से ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक एक्स, ठीक है, एक्स, तो पूछा है कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज, ठीक है, इस स्मॉल चार्ज पे टोटल फोर्स कितना होगा होने वाला ये बताना हमको, ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखते हैं, तो हमने कहा कि इस चार्ज पे दो चार्ज के कारण फोर्स होगा, एक इस वाले क्योंकि कैपिटल क्यू एक नीचे वाले कैपिटल क्यू होगा, ठीक है, हमने कहा कि सुपर पोजिशन पे चला था ना, ठीक है, एक बार में एक चार्ज कंसिडर करेंगे और निकलने वाले फोर्स के बारे में हम इसके वैल्यू निकालेंगे इसके लिए, ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे हमने कहा पूछा कि यहां से यहां तक ए ये पॉइंट ओरिजिन से कितना है तो क्या यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम आर को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा और भाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा लेट हम इसको आर मान लेते हैं फिलहाल के लिए आर मान लेते हैं ठीक है चलो इन द सेम वे ये वाला डिस्टेंस भी सेम आ जाएगा सेम सब कुछ सेम है एक्स सेम है ए सेम है तो ये हमारा हाथ भी उसमें क्या होगा उसका सेम आएगा अब देखो ध्यान से अच्छा बताओ दोनों चार्ज का नेचर कैसा दिखता है सेम दोनों पाइप पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव होंगे कुछ देर में इतना पॉजिटिव भी मान लेते हैं तो हमने कहा कि इसके कारण लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ठीक है हमने कहा तो रेस्टो हम मान लेते हैं पॉइंट ए मान लेते हैं इसको पॉइंट बी मान लेते हैं ठीक है इसको सी मान लेते हैं तो हमने क्या देखा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए के क्या होने वाला है क्या होगा भाई वन अपॉन फोर पाई एक्स साइलेंट नॉट होगा कि नहीं होगा वन अपॉन फोर पाई एक्स साइलेंट नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर भाई बोलो क्या मैग्नीट्यूड यही होगा बिल्कुल होता है ठीक है अब डायरेक्शन की बात करते हैं डायरेक्शन की क्या होगा हमने कहा डायरेक्शन होगा क्योंकि दोनों नाइन चार्जेस हैं तो डायरेक्शन क्या होगा नाइन पॉइंटिंग टू चार्जेस अवे इस डायरेक्शन एफ सी इन अवे में चलो सेकेंड देखिए फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी ठीक है फोर्स ऑन सी इस वाले चार्ज पे इस वाले चार्ज के कारण कितना फोर्स कितना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना वन अपॉन फोर पाई एक्स नॉट क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर देखो भाई क्या मैग्नीट्यूड सेम नहीं आया क्या मैग्नीट्यूड सेम नहीं आया तो हमने इसको लेट कर लेते हैं एफ दोनों क्या मान लेते हैं भाई एफ मान लेते हैं ठीक है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या मान लेते हैं भाई एफ मान लेते हैं ठीक है क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम आया पर उसको एफ मान लिया अच्छा डायरेक्शन की बात करें तो यहां पर अभी भी पॉजिटिव तो भी इस डायरेक्शन में होगा कि देखो यहां से एफ ऑन सी बी टू बी ठीक है दो फोर्स मैग्नीट्यूड सेम ठीक है चलो अच्छा ये एंगल हमने जिस एंगल को मान लिया थीटा इस एंगल क्या मान लिया थीटा ठीक है ये एंगल भी क्या होगा थीटा तो टोटल एंगल टू थीटा कितने बात सुना रहे चलो तो क्या हम वेक्टर सम कर सकते हैं हम वेक्टर सम कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं चलो आज हम कंपोनेंट से करते हैं इसको इस क्वेश्चन को हम कंपोनेंट से निकाल करते हैं ठीक है चलो भाई हमने क्या देखा इसको एफ मान लेते हैं दोनों को कितनी वैल्यू से है तो एफ मान लेते हैं ठीक है हमने क्या देखा
ये फोर्स x एक्सिस से थीटा डिग्री पे है नीचे की तरफ, और यहाँ पे ये फोर्स x एक्सिस से थीटा डिग्री ऊपर की तरफ। इसका कंपोनेंट निकाल करें तो इसका एक कंपोनेंट आएगा, ठीक है, इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट क्या आएगा, एफ कॉस थीटा अलोंग द x एक्सिस, और दूसरा कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा जो की निगेटिव y एक्सिस की तरफ होगा। और भाई कंपोनेंट देगा हम उससे भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड ये है, ठीक है, हमने क्या होगा ये एफ है दो मीटर था, ठीक है, एक वेक्टर मान लो ये था दूसरा एफ कॉस थीटा, दूसरा वेक्टर एफ साइन थीटा, उनका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, हमने ये कहीं पे आया हुआ समझ क्या की, ठीक है, इसको उल्टा करते हैं, हमको रिजल्टल वेक्टर पता तो उसका कंपोनेंट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। इन द सेम वे इस वाले फोर्स को भी हम उसके कंपोनेंट में निकाल करते हैं, ठीक है, फोर्स की वैल्यू सेम है थीटा वही है जैसे यहाँ पे थीटा था, तो हमें क्या होगा एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, और दूसरा आएगा एफ साइन थीटा अलोंग प्लस वाई एक्सिस। बोलो भाई ये बात समझ आ रही है, अब क्या लिख रहा है, y के अलोंग जो फोर्स है, y एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है इक्वल है एंड अपोजिट है, एफ साइन थीटा एफ साइन थीटा इक्वल है एंड अपोजिट है, तो ये दोनों फोर्स आपस में जाओगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो एफ नेट आ रहा है, एफ नेट आ रहा है ऑन दिस पे स्मॉल क्यू चार्ज पे, ठीक है, एफ नेट क्यू लिखते हैं, ठीक है, क्यू चार्ज पे नेट फोर्स कितना आएगा टू एफ कॉस थीटा, कितना आएगा भाई टू एफ कॉस थीटा, ठीक है सर। अब क्या बात है, इसमें थीटा को हमको रिप्लेस करना है, यहाँ पे थीटा क्यों, ये तो मैंने मान लिया था ना, थीटा को रिप्लेस करना, इस ट्रेंगल को देखो, ट्रेंगल ए ओ सी को देखो, ट्रेंगल ए ओ सी को देखो, तो ये राइट एंगल ट्रेंगल है, कितना ये क्या कितना थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा क्या लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लिखते हैं बस सर, तो चलो टू इंटू एफ की वैल्यू होती है वन अपॉन फोर पाई एफ साइलेंट नॉट, ठीक है, वन अपॉन फोर पाई एफ साइलेंट नॉट, क्यू को रहने देते हैं क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर और कॉस थीटा की जगह लिख दूं मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना एक्स, बेस कितना भाई एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना मारा था मैंने आर मारा था, देखो यहां से आर उसकी वैल्यू कितनी थी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो ये तो नेट आ गया भाई, स्मॉल चार्ज क्यू पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा इसकी वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो सेकेंड पार्ट करें इसका, ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं, ठीक इसको हटा दो मैं, चलो हटाते हैं, इस फोर्स की वैल्यू को हमको रखना है, याद रखना, ठीक है। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर मैक्सिमम फोर्स, अभी हमने शुरू शुरू में क्या पढ़ा, सबसे पहला उसे नहीं पढ़ा, मैक्सिमम फोर्स निकालिएगा, ठीक है ना, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि मैक्सिमम फोर्स डीएफ अपॉन डी क्यू, सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था हमने, डीएफ अपॉन डी क्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, हमको एक्स की वो वैल्यू मिलेगी, एक्स की वो वैल्यू मिलेगी जिसपे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगा, बात समझ आ गया, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, ठीक है। चलो हमें कहा ये भी पार्ट कर रहे हैं, पहला हो गया, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर मैक्सिमम फोर्स, हमने कहा फॉर एफ माइनस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सी पे मैक्सिमम स्मॉल चार्ज क्यू पे मैक्सिमम लगे उसके लिए क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या था, एफ माइनस के लिए डी एफ अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, डी एफ अपॉन डी टी क्या होना चाहिए जीरो, क्या होगा अभी सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, उसी को करते हैं डिफिकेशन, वहां पर बस फोर्स की वैल्यू है, यहां पर फोर्स की वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आ गई, वहां पर फोर्स की वैल्यू थोड़ा इंक्रीज, यहां पर कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट सेम लगाना हमको, ठीक है, हमें क्या बोला फोर मैक्सिमम एफ मैक्स के लिए, ठीक है, एफ मैक्स फोर मैक्सिमम लिखिए उसके लिए उसमें क्या होगा डीएफ अपॉन डीएक्स की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा हमको जीरो के बाद रखना पड़ेगा। चलो भाई लगते हैं डी एफ एफ की वैल्यू रखते हैं तो यहां पर क्या निकला भाई ये क्रॉस है, ये क्रॉस है ना, एक्स से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप एक्स के अंदर इसको इस्तेमाल होना चाहिए। अब अगर आपसे क्या रखें टू क्यू क्यू अपॉन फोर पाई एक्स साइन नॉट, ठीक है,
अच्छा इसको देखो यहां से आर की वैल्यू को भी यहां पे रिप्लेस कर सकते थे। आर की वैल्यू को हमने रखा था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक ये आया एक और आएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं टोटल को, टोटल को क्या लिख सकते हैं अंडर ऐसे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री वाई को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बराबर, ठीक है। ये भी तो आर था, ये भी तो आर स्क्वायर क्या बनता है आर क्यूब, और आर क्यूब की वैल्यू क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा ये बात समझ आ गई, कौन सी बात समझ आ गई, और इंटू एक्स बोलो ये बात समझ आ गई। चलो आगे देखते हैं, डिफरेंशिएट करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसमें आगे, तो मेरा कॉन्स्टेंट को बाहर ले लो, कॉन्स्टेंट का मतलब ही नहीं होता, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लें तो टू भी हमारा क्या है कॉन्स्टेंट, क्या चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है क्या, नहीं वो तो चेंज नहीं हो रही है। अपॉन ये तो 1.4 बाय एक्स ना खुद ही एक कॉन्स्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। चलो तो हमारा क्या बना अंदर एक्स, अच्छा ठीक है एक्स, अच्छा इसको देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, इसको ऊपर ले जाता है माइनस की पावर थ्री बाई टू, पावर क्या होगा पावर का ऊपर कर रहे हैं इसको, ठीक है। क्या होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का थ्री बाई टू अपॉन डी एस, बोलो ये बात समझ आ गई, ठीक है। ये वेरिएबल टर्म है एक्स रिस्पेक्ट में, इसके नाम लिखा बाकी कॉन्स्टेंट हमने बाहर ले लिया, ठीक है। चलो आगे देखें, आगे देखते हैं यहाँ पे एक फिर से कॉन्सेप्ट, कभी हमने कहा यहाँ पे दो वेरिएबल भाई एक्स यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, ठीक है। ये क्या है हमारा ये हाँ भाई तो बात समझ आ गई। चलो ऐसे करते ना इसकी वैल्यू कहीं अलग नहीं करनी, इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग क्वेश्चन नंबर सी थर्ड वाले में, इसके थर्ड पार्ट में हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी वैल्यू कहीं अलग नहीं लेते हैं एफ नेट इकोनॉमिक इसकी जरूरत पड़ेगी टू कैपिटल क्यू एक्स अपॉन क्या लिखा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, ठीक है। इसकी वैल्यू भी जरूरत पड़ेगी इसलिए वहां पर लिख देते, इसको यहां पे हटाते हैं और बाकी भी यहां पे कर देंगे, ठीक है बच्चों। ये आप समझ आ गई, चलो अब हम यहां पे फिर से डिफरेंशिएशन एक नया वैल्यू देखते हैं इसमें आपका फोर पाई एप्सिलॉन यहां पे कितना है। अब देखो यहाँ पे दो टर्म वेरिएबल है, ठीक है ना, एक ए हमारा क्या है कॉन्स्टेंट है, एक्स की वैल्यू के लिए आपको मैक्सिमम फोर्स मिलने वाला है, ठीक है। एक एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिससे आपको फोर्स मैक्सिमम मिलेगा, आप देखो जानते हैं इस तरह के डबल डिफरेंशिएशन या फिर डबल नहीं कर सकते, दो वेरिएबल है तो उसके क्या करते हैं पहले एक वेरिएबल को कॉन्स्टेंट मानते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे को कॉन्स्टेंट मानते हैं और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, ये तरीका होना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पे करते हैं, तो हमने क्या करते हैं अभी फर्स्ट वाले केस में फर्स्ट को कॉन्स्टेंट मान लेते हैं एक्स को, ठीक है। तो क्या होगा जो हमसे इसको बड़े बेटे में करते हैं, तो यहाँ पे एक्स को कॉन्स्टेंट माना, अच्छा लेकिन डिफरेंशिएशन में क्या बताया था रूल, पावर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, पावर से मल्टीप्लाई करो फिर पावर में से एक माइनस करके दे दो, ठीक है। पावर पे मल्टीप्लाई करो फिर पावर में माइनस वन करके रिवर्स, ठीक है। चलो करते हैं इसको पहला एक्स को मैंने कॉन्स्टेंट माना और इसको वेरिएबल माना तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या जाएगा भाई माइनस का थ्री बाई टू, ठीक है, आएगा। पावर से मल्टीप्लाई करो और जो बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू माइनस वन, बोलो भाई आया नहीं आया इनटू इनटू अब देखो हमसे, अच्छा एक क्या हमारा कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो, अच्छा प्लस इसका एक्स स्क्वायर जितना होगा टू है, बोलो भाई। ये तो पहला वाला हो गया पार्ट, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड इस बार हमने क्या करेंगे इस सेकंड वाले टर्म को कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट इसको ऐसे ऐसा सीखते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का थ्री बाई टू, ठीक है। अभी इसको कॉन्स्टेंट मानते हैं और इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है सिंपल वन होगा, एक्स अपॉन डी एक्स क्या होगा, ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स क्यू होगा। चलो सॉल्व करते हैं,
अच्छा तो मैक्सिमम फोर्स के लिए सी एफ अपॉन डी क्या होगा जीरो तो ये इक्वल टू क्या होगा जीरो और यही कर लेते हैं यहाँ पे तो सबको मिल सकता है कॉन्स्टेंट है एमिशन क्या क्या होगा जीरो कॉस्ट का मिटला इक्वाइड होगा जीरो हो जाएगा ओवरऑल हम वैल्यू की बात करते हैं ठीक है तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे जीरो इक्वल टू देखो यहाँ पे एक्स और ये टू एक्स ठीक है एक्स और टू एक्स कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर ठीक है अब देखो ये माइनस का है तो माइनस का थ्री बाई टू ठीक है थ्री बाई टू अंदर जा बचेगा देखो यहाँ पे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस थ्री बाई टू माइनस वन की देखा जाएगा माइनस फाइव बाई टू हो जाएगा अच्छा यहाँ पे देखो जाते इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का थ्री बाई टू ठीक है ये जीरो के बराबर ठीक है एक हमको हम इक्वल टू के कर ले जाते हैं ठीक है तो क्या होने वाला है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस थ्री बाई टू ठीक है हमने कर लिया इसको इधर लेके आ गए इक्वल टू के ये माइनस में आ गया प्लस में क्या होता है इधर क्या मतलब माइनस का थ्री बाई टू इंटू टू एक्स स्क्वायर लिख रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस से माइनस इस टू से ये टू कैंसिल हो गया ठीक है इसको यहाँ पे करते हैं आगे सॉल्व ठीक है इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो क्या लिखा है यहाँ पे देखो यहाँ से हमें क्या लिखा थ्री एक्स स्क्वायर लिखो यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस फाइव बाई टू इक्वल टू किसके बराबर रहेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का थ्री बाई टू बोलो भाई यहाँ पे समझ आ रहा है यहाँ से समझ आ रहा है अब देखो थ्री एक्स स्क्वायर ऐसा करते हैं इस टर्म को यहाँ से इससे डिवाइड करते हैं बेस दोनों का सेम है अच्छा और डिवाइड करेंगे तो क्या होता है पावर एड हो जाता है ठीक है चलो यहाँ पे देखते हैं सॉरी डिवाइड करने का माइनस हो जाता है ठीक है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस थ्री बाई टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का फाइव बाई टू देखो बेस सेम है तो पावर कर रहे हैं डिवाइडेशन में माइनस करेंगे पहले से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर टू प्लस एक्स की पावर थ्री थ्री बाई टू ये प्लस फाइव बाई टू ठीक है अभी समझ में आना थ्री बाई टू फाइव बाई टू ये ज्यादा है ये टू टू एंड हाफ है ये कितना है वन एंड हाफ है टू एंड हाफ से वन एंड हाफ लाइन कितना बचेगा वन बचे थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है बच्चों तो हमको एक्स की सॉल्व करनी है यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू और एक्स इक्वल टू ए बाई रूट टू ठीक है बच्चों तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ए बाई रूट टू समझ आया कि एक्स को ए बाई रूट टू डिस्टेंस पे रखेंगे तो हमको उस समय जो फोर्स की वैल्यू होगी मैक्सिमम मिल रही होगी समझ आया बच्चों फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही होगी यहाँ पे देखो थोड़ा जल्दी प्रोसेस करिए लेकिन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जो इस लेक्चर का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी तो यही थी ना सेम एप्लीकेशन किया था वहां पर फोर्स की वैल्यू लिखी थी इसलिए आराम से डिफरेंशिएशन करके हमने एक्स के लिए इक्वेशन निकाल लिया था यहाँ पे जो इक्वेशन बना था थोड़ा सा डिफिकल्ट था ठीक है लेकिन एप्लीकेशन बिल्कुल वही है एप्लीकेशन बिल्कुल वही है ठीक है चलो आगे देखते हैं थर्ड पार्ट देखेंगे चलो बच्चों थर्ड पार्ट देखते हैं सी पार्ट क्या है आपको सी पार्ट में पूछा है क्या बोला कि वहां इसका एफ मैथ ठीक है अभी तक हमें x की वो वैल्यू निकाला जिसकी वैल्यू पुट करने पे हमको फोर्स मैक्सिमम मिलेगा अब हमने बोला कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी तुमने ठीक है इस वाले क्वेश्चन में x इक्वल टू ए बाई रूट टू रख दो इस वाले क्वेश्चन में एफ इक्वल टू सॉरी एक्स इक्वल टू ए बाई रूट टू तो हमारा आंसर जाएगा मैक्सिमम फोर्स का ठीक है तो चलो एफ मैक्स के लिए फॉर एफ मैक्स हमको एक्स वैल्यू करना पड़ेगा ए बाई रूट टू हमें ये सॉल्व किया ए बाई रूट टू रखना पड़ेगा चलो रखते इसमें टू क्यू क्यू ठीक है अपॉन फोर पाई एस आई एन ठीक है एक्स की वैल्यू क्या रख दूंगा यहाँ ऊपर ए अपॉन रूट टू ठीक है नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर
क्या यहाँ पे x स्क्वायर है ना, तो क्या रख दूं मैं a स्क्वायर बॉन्ड टू कर सकता हूँ बिल्कुल ठीक है, प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 ठीक है। चलो और सब करते हैं तो 2 × 2 × 4 × 5 × 7 × 9 ठीक है, a अपॉन रूट टू लिख सकते हैं, इसको जान सकते हैं क्या है, हाफ प्लस वन कितना होगा 3/2, 3/2 a स्क्वायर की पावर 3/2 पास भाई ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या होगा, देखिए मान लेते हैं a को बाहर निकालें, इसका मतलब क्या हुआ कि इन सारे टर्म का क्यूब करो फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो ठीक है, तो फिर इसको और इजी करें तो क्या हो जाएगा 2 × a / 4√2 π/ε9 ठीक है। आगे देखो, अच्छा यहाँ पे पहले तो ए को निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर का रूट करेंगे क्या रहेगा ए, और ए का रूट करेंगे क्या रहेगा ए क्यूब, बोलो सही है ए क्यूब। अब यहाँ पे क्या हो जाए क्यूब करते हैं तो 3 × 3 कितना हो जाएगा ठीक है, 3 × 3 कितना होगा 27, 2 × 3 कितना होगा ए, इन सब की पावर 1/2 स्क्वायर होते हैं ना तो ठीक है, यहाँ से जो ए यहाँ से इसके ए से कैंसिल जाएगा, इसको सॉल्व करके हम आपसे निकाल सकते हैं ठीक है। चलो देखते हैं 2 × q ठीक है, नीचे गया 4√2 π/ε0 ठीक है। चलो ए का स्क्वायर रूट कितना होगा, ए का स्क्वायर रूट कितना होगा 2√2 कितना होगा भाई 2√2 होगा नहीं होगा, अच्छा ये अपॉन है तो ये ऊपर जाएगा 2√2 ऊपर हो जाएगा अपॉन 27 जगह होगा भाई 3√3 क्या हो जाएगा 3√3 ठीक है, इस रूट टू से ये रूट टू कैंसिल हो गए तो ओवरऑल हमारा जो आंसर आया असली के मैं 4 × 1 को कुछ टच नहीं कर रहा हूँ, क्यों क्योंकि ये हम उसको कैंसिल कर रहे हैं 4 से 4 को तो फिर फाइव को फोन करने में दिक्कत होती है, क्योंकि हमको पता है 4 × 1 की वैल्यू होती है 9 × 9 होती है ठीक है, इसलिए हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ठीक है। ठीक है तो क्या किया हमने यहां से 2 × q ठीक है, 8 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो ऊपर आए 2√2 अपॉन नीचे क्या बचा 4√2 π/ε0 यहाँ पे ए से एक क्यूब में से एक कैंसिल हुआ तो क्या बचा था ए स्क्वायर, क्या बचा था भाई ए स्क्वायर बचा था ठीक है। अब जो कैंसिल कर दिए तो आंसर हमारा क्या आएगा भाई 4 × q अपॉन ठीक है 4 × 2 = 4 × q अपॉन नीचे क्या बचेगा 3√3 4 × 1 = 4 × 2 ठीक है, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फोर्स ठीक है। तो लेकिन इसका तीन ऑब्जर्वेशन हमने देख लिया तीनों के अलग अलग कि पहले हमने फोर्स की वैल्यू निकाली फिर उस एक्स की वैल्यू वो वैल्यू जिसमें आपको फोर्स मैक्सिमम मिले वो निकाला फिर उस एक्स की वैल्यू को पुट किया और मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू निकाल दिया ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फोर्स एप्लीकेशन देखते हैं इन द केस ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के केस में कैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स को हम अप्लाई करते हैं, इसमें हम क्या कंसिडर किए दो आइडेंटिकल वॉल है ईच ऑफ हैविंग मास एम एंड चार्ज क्यू आर हैंगिंग फ्रॉम द वर्टिकल सीलिंग विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटिंग वायर ऑफ लेंथ फैक्टर है। हमने कहा ये कंसिडर किया कि एक हमारा ये वर्टिकल मास है, हमने दो वॉल को हैंग करा दिया जिसका मास क्या था सेम था और चार्ज भी सेम था, अच्छा नेचर ऑफ चार्ज भी सेम था ये भी देखना बढ़िया, अच्छा दूसरे को हमने कहा कि सेम पॉइंट हैंग कराया वर्टिकल सेम पॉइंट को मैं डॉटेड लाइन बना देता हूँ, ये इनिशियली कुछ ये कंडीशन नहीं होगी ठीक है, दोनों की लेंथ क्या है एल, दोनों का मास क्या है एम, दोनों का मास क्या है एम ठीक है, और चार्ज क्या है मैंने माना दोनों पे चार्ज क्या है क्यू है ठीक है, ये कंडीशन नहीं हुई, अच्छा जैसे हमने इसको हैंग कराया क्या होगा
इन दोनों चार्जों के बीच क्या लगना होगा, रिपल्सिव फोर्स, क्यों भी नेचर सेम है तो रिपल्सिव फोर्स लगना होगा। तो क्या होगा, ये वर्टिकल से कुछ एंगल थीटा, ये हम थीटा एंगल मानते हुए वो जाके एक जगह पर रुक जाएंगे। अच्छा वो पोजीशन उसकी क्या होगी, चार्ज की इक्विलिब्रियम पोजीशन रही होगी, इक्विलिब्रियम के बारे में हमने पढ़ा भी, ठीक है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन रही होगी, इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन रही होगी। तो क्या होगा थोड़ी देर के बाद, जैसे हमने इसको हैंग कराया, इसकी कंडीशन क्या रही होगी देखते हैं इसको आप फिगर से। लेकिन दोनों के बीच क्या रहता है आपका रिपल्सिव फोर्स, इसके कारण की पोजीशन क्या होगी, ठीक है, इन द सेम वे सेकेंड मोड की पोजीशन इधर आई होगी, ठीक है। हमने कहा कि ये हमने जो कंसिडर कर दिया, ये वर्टिकल से हमने क्या माना कि वर्टिकल से कितना थीटा एंगल पे जाके ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर लिया, ठीक है। दोनों बॉल ने वर्टिकल से थीटा एंगल पे जाके अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर लिया, ठीक है। अब चलो देखते हैं इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे जो उसको इक्विलिब्रियम में पहुंचा लिया इसको, ठीक है। चलो तो हमने क्या लिखा, हमने कहा किसी एक बॉल पे कंसीडर करते हैं, क्योंकि दोनों बॉल कैसे हैं, आइडेंटिकल बॉल है, ठीक है, आइडेंटिकल बॉल है, तो सेम जो इसपे रूल लगेगा सेम रूल यहाँ पे लगेगा, आंसर भी सेम आएगा, किसी तो हम किसी एक पे फोकस करते हैं, ठीक है। चलो हमने माना कि यहाँ पे इस पोजिशन पे रहा होगा, पता इस पे दो फोर्स लगे होंगे, सॉरी तीन फोर्स लगे होंगे, कौन सा सबसे पहला फोर्स होगा इसका वेग एम इन टू जी, कितना वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, इसका वेग वर्टिकली डाउनवर्ड कितना एम जी, ठीक है। अच्छा सेकेंड फोर्स जो होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्या लग रहा होगा भाई, टेंशन इन द स्ट्रिंग हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा थर्ड फोर्स देखो ध्यान से, थर्ड फोर्स क्या लग रहा होगा, हमने कहा ये बॉल इस बॉल के साथ क्या लग रहा होगा, एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि क्योंकि नेचर से डायरेक्शन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इस डायरेक्शन होगा कि नहीं, बोलो बात समझ आ गई, क्या बात समझ आ गई, ठीक है। चलो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जहां पर एक चीज ये मान लेते, मान लो ये बॉल जो आपने रुका आर डिस्टेंस पे, कितना स्मॉल आर डिस्टेंस पे आपके इक्विलिब्रियम अटेंड कर दिया, ठीक है। तो चलो इस बॉल को लेकर तीन फोर्स लग रहे हैं, एक वेग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक टेंशन टुवर्ड द हैंगिंग पॉइंट, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इस डायरेक्शन, ठीक है, बात सुना नहीं। चलो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या करते हैं कि उनको सारे फोर्स को क्या करना है, इक्वलेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन मिली हुई है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, वेग तो नीचे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है इस बॉल पे, या टेंशन, हमें टेंशन को क्या हम उसके कंपोनेंट में ढिला कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर देखो ध्यान से, हमने ये लाइन दी थी, ये एंगल थीटा है, देखो ध्यान से ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ये क्रॉस लाइन जो दोनों को कट कर रही है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल क्या होगा हमारा थीटा होगा, ठीक है, ये एंगल भी क्या होगा हमारा थीटा होगा, ठीक है। चलो तो हमने कहा टेंशन का एक कंपोनेंट आया इधर वाला, कौन सा टी कॉस थीटा, कितना आया टी कॉस थीटा, और टेंशन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आया, दैट इज टी साइन थीटा, बोलो भाई समझ में आया चीज। चलो अब हम इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे समझे लिखा, टोटल हमारे पास चार फोर्स दिख रहे हैं, टोटल कितने फोर्स दिख रहे हैं, चार, जिसमें से एमजी नीचे एक्टीरियर टेंशन के दो कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वर्टिकल वाला कंपोनेंट ऑफ टेंशन विल माइनस द वेट ऑफ द बॉल, ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, इसे इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, जो टी साइन थीटा है, टी साइन थीटा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, कहीं देखो ध्यान से, ठीक है, पास होगा भी। चलो अब हम तो इस टाइप के क्वेश्चन पे दो बात पूछे जाते हैं, एक टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना वो पूछा जाता है, सेकेंड जो पूछा जाता है कहते हैं वहां की वैल्यू ऑफ थीटा एट इक्विलिब्रियम, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो ठीक है वो थीटा लगाना है इसमें। चलो यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम बता सकते हैं दोनों के बीच में कितना लगा होगा, हमने कहा बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू लिख देते हैं, कितना होने वाला है दोनों के बीच में, तो सिंपल सा कूलम्बियम फोर्स है, लगा सकते हैं दो चार्ज है क्यू क्यू, दोनों के बीच डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होने वाला है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा ना, इसको भी यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। चलो
अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में दो पार्ट पूछे जा सकते हैं कि व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट इक्विलिब्रियम एंड व्हाट विल बी द एंगल थीटा एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हमको वन बाय वन निकालना है, इन्हीं दोनों इक्वेशन से निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेंशन निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन वन और टू को स्क्वायर करके ऐड कर दो। सिंपल था, क्या करेंगे, इक्वेशन वन का स्क्वायर प्लस इक्वेशन टू का स्क्वायर को ऐड कर दें। ठीक है, हमने वन का स्क्वायर किया, फिर टू का स्क्वायर किया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या हमारे नाम से यहाँ पे ऊपर जाएगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आई देखो। ठीक है, ये एलएचएस में ये हो गया, आरएचएस में देखो क्या होगा, एम जी का होल स्क्वायर प्लस एफ जी का होल स्क्वायर। बोलो भाई सही है, ऐड कर दे तो हमने कैसे रुपए हम लिखा, इसमें दोनों में टी स्क्वायर कॉमन है, तो टी स्क्वायर बाहर लिया, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम जी स्क्वायर और एफ जी का स्क्वायर। बोलो ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, हमें टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू आया एम जी का होल स्क्वायर प्लस एफ जी का स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट एम जी का होल स्क्वायर प्लस देखो आराम से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, एफ जी की वैल्यू हम यहाँ से रखते हैं, देखो एफ जी की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, टेंशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो नोट कर लो इसको, सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, थीटा थीटा निकालने के लिए क्या निकाल देगा, सिंपल सर, चलो इसको हटा दो। अब देखो फिर से यही दो क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। ठीक है, थीटा निकालने के लिए हमको दो क्वेश्चन करना है, ठीक है, हमने क्या इस बार क्या करेंगे, हम इस बार सिंपल इक्वेशन नंबर टू को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर वन से। ठीक है, इक्वेशन नंबर टू को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर वन से, क्या दिख रहा है आपसे, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या नहीं माना, देखो आपसे एफ ई अपॉन एम जी समझ, ये टी से इस टी को हम कैंसिल कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या नहीं माना, टेन थीटा इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। ठीक है, ठीक है, अच्छा यहां पे हम एफ ई की वैल्यू रख दो, आपको वैल्यू रख दो, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम जी। यहां से टेन थीटा निकालेंगे और थीटा इक्वल टू क्या हो गई, टेन इनवर्स एफ ई अपॉन एम जी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में टेंशन इन द स्प्रिंग क्या होगा और वर्टिकल से उस समय स्प्रिंग कितना एंगल बना रहा हो, तो सिंपल दो क्वेश्चन से हम दोनों को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट केस बनते हैं, जैसे इसमें कहा गया कि मान लो यही एक्सपेरिमेंट जिस मैंने दोनों बॉल को ऐसे जगह पे हैंड कराया था जहां पे ग्रेविटी था, मान लो इसी को हम किसी ऐसे स्पेस में लेके चलते हैं जहां पे ग्रेविटी ना हो। ठीक है, ऐसे जगह पे ले जाए जहां पे ग्रेविटी फ्री ले जाओ, तो क्या होगा उस कंडीशन में, उस कंडीशन में क्या होगा, तो हमने कहा अगर उसके लिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं, आपके पहले एक बार समझ लेते हैं क्या होगा, भाई ग्रेविटी जहां पे नहीं होगा तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, भाई जीरो, ये कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। ठीक है, ठीक है, चलो इसको हटा दो, आगे देखते हैं, चलो हमने क्या माना कि हम इस एक्सपेरिमेंट को ग्रेविटी फ्री रीजन में कर रहे हैं, ग्रेविटी फ्री रीजन में करेंगे तो वेट हमारा, वेट का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, भाई जीरो हो जाएगा। तो सोचो जीरो हो जाएगा उस कंडीशन में क्या होगा, जो नीचे इस बॉल को नीचे ले जाने वाला वर्टिकल फोर्स है वो तो है ही, तो क्या होगा, बॉल रिपल्सिव फोर्स के कारण जो अभी इस कंडीशन में है, जो अभी इस कंडीशन में है वो क्या हो जाएगा, नीचे कोई फोर्स ही नहीं, तो वो जाके कुछ इस तरह रुकेगा कि नहीं, देखो ध्यान से बात सुना दी, ये अभी इस कंडीशन में है। ठीक है, अभी क्या होगा, नीचे का कोई कंपोनेंट फोर्स का है नहीं, क्या रहेगा वो आके इस तरह एक्सपेंड करेगा। अब देखो इस कंडीशन में फिर दो फोर्स लग रहे हैं,
एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, ओके, दूसरा टेंशन की तरफ रहेगी, समझ आ रहा? और दीजिए ठीक है, अगले तरह से क्या करना पड़ेगा आपको इस कंडीशन में, यहां पर बताता हूं, ग्रेविटी फ्री रीजन में क्या नाम है इसी कंडीशन का, बोला आप फिगर में देखते हैं, तो हमें कहा कि ये तो कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा भाई, ये देखो यहां पे आ जाएगा और दूसरा बॉल इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा हुआ मिड पॉइंट यहां तक की स्ट्रेंथ का लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग थी जिसको हमने एल मान लिया था, इसको एल मान लेते, कैपिटल एल मान लेते, ठीक है। तो एल, अच्छा यहां से इस पॉइंट की भी डिस्टेंस कितनी होगी, इस चार्ज की भी डिस्टेंस कितनी एल, अभी दोनों चार्ज की भी डिस्टेंस कितनी होगी भाई, टू एल, तो क्या हम लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बता सकते हैं, बिल्कुल 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन, इस बार क्या हो गया एल प्लस एल, टू एल, टू एल का स्क्वायर 4l2, देखो भाई ठीक है इस सोल्यूशन में। अच्छा देखो हमने कहा ये फोर्स की डायरेक्शन निकाल दी, इस फोर्स की डायरेक्शन निकाल दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्शन निकल दी, इस पे इधर कर किसी एक बॉल को कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलो अच्छा टेंशन इधर स्प्रिंग की तरफ इधर, ये जो हैंगिंग पार्ट था हमारा टेंशन था हमारा, ठीक है, पास ना ओ मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो चलो हमने क्या देखा कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करने वाला कौन सा फोर्स है, टेंशन, टेंशन कर क्या देते हैं डी इक्वल टू एफ ई, डी इक्वल टू किसके बराबर एफ ई, और एफ ई की वैल्यू कितना है देखो यहां पे 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन 4l2, ठीक है, सिंपल मतलब और सिंपलीफाई हो गया। जैसे हम उसको ग्रेविटी फ्री रीजन में इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो हमारे लिए टेंशन किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। अच्छा ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा था, इन्वर्स स्क्वायर लॉ डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी जिस कंडीशन में डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, देखो यहाँ से डिस्टेंस सबसे ज्यादा है तो फोर्स सबसे कम रहा होगा, अच्छा फोर्स सबसे कम रहा होगा तो ये जो टेंशन हमारा मिलना वो भी कैसे रहा होगा, ये टी मिनिमम की कंडीशन है, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। ये मिनिमम टेंशन कब होगा, जब हम ग्रेविटी फ्री रीजन में ले जाएंगे, क्योंकि उस समय दोनों चार्जों के बीच सेपरेशन सबसे ज्यादा होगा, सेपरेशन ज्यादा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम तो टेंशन भी कम, दैट इज मिनिमम टेंशन फोर्स मिलेगा, बोल रहा हूं ये बात समझा रही। अब इसमें थर्ड टाइप की जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें क्या करना है कि सेम एक्सपेरिमेंट को हम लेके जाके किसी वाटर में चले जाते हैं, वाटर बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है, ठीक है। हम सेम एक्सपेरिमेंट को वाटर मीडियम में परफॉर्म करते हैं, अब देखो क्या होगा, वाटर मीडियम में हमको देखना क्या है कि क्या टेंशन चेंज होने वाला। अच्छा वाटर में जैसे कोई चीज जाएगा तो उस पर एक ब्रेंसिक फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, आप थ्रस्ट इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा, वेट उसमें क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कम हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको हम करते हैं, इसको हटा दो, ये तो हो जाएगा। चलो थर्ड कंडीशन देखते हैं कि इनसे एक्सपेरिमेंट जब वाटर में जाते तो क्या सिचुएशन रही होगी इसमें, ठीक है बच्चों। चलो थर्ड पार्ट पे क्या देखते हैं कि हम सेम एक्सपेरिमेंट को किसी लिक्विड में इन्वर्स करा देते हैं जिसकी डेंसिटी सिग्मा और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, तो क्या होता है, हमने क्या बोला, इफ सेम एक्सपेरिमेंट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा एंड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है बच्चों। हमें क्या बोला कि हम सेम एक्सपेरिमेंट को किसी ऐसे लिक्विड में ठीक करा देते हैं जिसका डेंसिटी सिग्मा और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है, अब तो क्या क्या चेंज होने वाला है। हमने क्या देखो, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाटर का होता है, हमने पढ़ा रखा है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 81 होती है, ठीक है। यदि हम लिक्विड में इसको या वाटर में डिप कराते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की टाइम घट जाती है, ठीक है। जो न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो के टाइम कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बात समझ आ रही। सेकेंड बात करते हैं वेट ऑफ द
बॉल की, तो हमने ऐसे ही ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में डिप कराएंगे तो उस पर थ्रस्ट लगना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण उसका वेट होगा अपरेंट वेट हो जाएगा, ठीक है, उसका वेट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अपरेंट वेट उसे कहते हैं, अपरेंट वेट क्या होता है, रियल वेट माइनस थ्रस्ट, ठीक है बच्चों। चलो व्हाट अबाउट द टेंशन की बात, हमने दो फोर्स से जो टेंशन भी हमारा चेंज हो जाएगा, टेंशन इन द स्प्रिंग भी हमारा चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एंगल की, क्या थीटा चेंज होगा, हमने कहा थीटा इंक्रीज भी हो सकता है, थीटा डिक्रीज भी हो सकता है, और थीटा रिमेन्स अनचेंज भी हो सकता है, बात समझा ली, मतलब कि थीटा वेरी कर सकता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि थीटा हमारा चेंज नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हम ये मान के चलते हैं कि हमारा थीटा चेंज नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में क्या क्या होगा, ठीक है। चलो हमने एक फिगर फिगर बनाते हैं, इसलिए एक फिगर बनाते हैं, हमने कहा यहाँ बनाते हैं, ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। हमने कहा चलो ये कंडीशन नहीं होगी, ठीक है, मीडियम क्या पूरा मीडियम क्या हमारा क्या है, ठीक है, इसकी डेंसिटी सिग्मा मान लिया, डायनेमिक कांस्टेंट को के मान लिया, ठीक। अब देखो समझते हैं, हमने कहा यहाँ पे हर चीज चेंज हुआ लेकिन थीटा चेंज नहीं हुआ, ठीक है। हमने चलो अभी मान लिया डिस्टेंस क्या दोनों के बीच में आर है, ठीक है, आर है, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना एल मान लेते हैं, ठीक है, वेट कितना लगा हुई, वेट कितना कितना लग रहा होगा, हमने कहा एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा ऊपर क्योंकि लिक्विड में है, तो जैसे लिक्विड में कोई आपके कंप्लीट कराते हैं तो उसमें कब फर्स लगेगा, ठीक है, अपोजिट उनका वेट लगने जाती है, यहाँ ऊपर की तरफ लग रहा होगा, इसको हम लिख लेते हैं बच्चों डब्ल्यू यूपी कर लेते हैं अप थ्रस्ट, ठीक है, वेट अप थ्रस्ट, ठीक है। आगे देखो तो हमने कहा इन दोनों के क्योंकि चार्ज से नीचे अभी भी से है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में एफ ई डैश, क्यों एफ ई डैश क्यों लिखा, क्योंकि लिक्विड का अपना डायरेक्टली कॉन्स्टेंट होगा तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएगा, ठीक है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। चलो अच्छा टेंशन की बात करो तो हमने क्या मान लिया टेंशन इंडस्ट्रीन क्या है कंडीशन में टी डैश, क्या है टी डैश, ठीक है, ये वर्टिकल से कितना मेरा एंगल क्या चेंज नहीं हो रहा है, दिखा ही है, चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से तो टेंशन के कंपोनेंट फिट करते हैं, जैसे पहले क्या था क्योंकि ये लाइन ये लाइन ये लाइन क्या पैरेलल है, ये क्या होगा अल्टरनेट एंगल होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, यहाँ पे देखो अब फर्स्ट ऊपर की तरफ आई टेंशन का एक और कंपोनेंट कौन सा टी डैश क्रॉस थीटा ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है, और टेंशन का दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आया कितना टी डैश साइन बोलो बात समझा दी, ठीक है, बिल्कुल सही एप्लीकेशन है ये, और ये हमें टोटल कितने पॉजिट है एम जी नीचे एफ जी लेफ्ट साइड में, टेंशन का साइन कंपोनेंट राइट साइड में, और दो फोर्स ऊपर लग रहे हैं टेंशन का एक क्रॉस कंपोनेंट और एक थ्रस्ट, ठीक है। चलो हम इम्पोर्टेंट है बराबर करें जैसे पहले किया था बिल्कुल सही एप्लीकेशन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। चलो हमने कहा तीन यहाँ पे क्या लिखा टी डैश साइन थीटा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने फोर्स लगे थे टी डैश साइन थीटा, इसके बराबर लिखा हमको एफ ई डैश, कितना एफ ई डैश के बराबर लिखा है, ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर वन मान लेते हैं। आगे को नेक्स्ट ऊपर क्या लिखा है बेटा टी डैश कॉस थीटा, अच्छा ऊपर और क्या है अक्षर प्लस हमने डब्ल्यू पी अक्षर सोच लो क्या लिखे हमने ये यहां पर लिखे थे डब्ल्यू पी पी है अक्षर ठीक है मेंटेन कर रहा हूँ वेट को उसके वेट को मेंटेन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर टू रखते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं अभी पीछे क्वेश्चन नंबर टू नहीं लेते हैं सॉल्व करते हैं टी डैश कॉस थीटा कितना टी डैश कॉस थीटा कितना आ जाएगा भाई एम जी माइनस ठीक है आप बोलो अभी क्वेश्चन नंबर टू मान लेते हैं इसको अच्छा करते हैं हम क्वेश्चन नंबर वन को टू से डिवाइड कर देते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर वन डिवाइडेड बाय क्वेश्चन नंबर टू देखो आपसे क्या होगा टी डैश क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनने वाला है टैन थीटा बनेगा भाई ठीक है अपने उदाहरण से राइट हैंड साइड में क्या एफ ई डैश अपॉन एम जी क्या होगा सॉरी हाँ एम जी माइनस अप ठीक है बोलो भाई ये बात समझ आ गया ये बात समझ आ रही है चलो अब ऐसा करते हैं हमने क्या बोला ये यही चीज एयर में रहा होगा अभी निकाला करते हैं एयर की कंडीशन इन एयर में क्या था भाई इन एयर एयर की कंडीशन में क्या था जब ये सारा एक्सपेरिमेंट एयर में कर रहा करते हैं तो ठीक है उस केस में कैंसिल कर जा रहा था
tan थीटा आया था हमारा याद करो तो f e अपॉन mg आया था कि नहीं आया था बताओ आया था अबे तो मैंने ये वाला कि यहां पे थीटा के लिए हुआ तो tan थीटा ये tan थीटा ये tan थीटा का होगा आपस में बराबर हो गए बताओ ये भी रिलेशन में tan थीटा ये आया था अभी मैंने जब लिखते बैठे के तो tan थीटा की वैल्यू यहां भी तो देखिए हमने क्या बोला कि थीटा चेंज नहीं हो रहा है तो थीटा के नियम से इस सिचुएशन को इसके इक्विवेलेंट कर सकते हैं ठीक है कर देते हैं इसको तो क्या होने वाला है हमसे tan थीटा को बराबर करते हैं यहां पे क्या है f e अपॉन mg बोलो सही है f e अपॉन mg इक्वल टू f e डैश अपॉन mg माइनस बोलो भाई ये बात समझ आ रही है बात समझ आ रही है अच्छा याद करो एफ ई की वैल्यू भी निकालना एयर की कंडीशन में सिंपल था जो डिस्टेंस आ था तो 1.4 करे नॉ क्यू 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 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा लेकिन अभी एफ ई डेस्ट कहां पे लिक्विड में तो के टाइम हमारा कम हो जाएगा ठीक है के टाइम हमारा फोर्स कम हो जाएगा क्योंकि फिर वो यहां से ये इक्वेशन इसको भी यहां पे ऐसे लिख लेते हैं ठीक है यहां पे देखो एफ ई की एफ ई डेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा हम कहते हैं एयर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था उसका के टाइम वैल्यू हो जाएगा देख सकते हैं इसको ठीक है देख सकते हैं मतलब यहां पे एफ ई डेस्ट की वैल्यू पे एफ ई अपॉन कैसे रिप्लेस करते हैं देखो ना क्या एफ ई अपॉन एम जी इक्वल टू यहां पे लिखू एफ ई अपॉन के अपॉन एम जी माइनस आर प्लस बोलो बच्चों बात सही है चलो अब हम ऐसा करते हैं ना इस एफ ई से ये एफ ई को कट कर देते हैं इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व ऊपर का दो ठीक है तो क्या देखा हमने चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई से इक्वेशन चाहते हैं एम जी इक्वल टू देखो एम जी ये क्या वन अपॉन का अपॉन है ये इंटीजर है इसके साथ तो चाहे के ब्रेकेट में एम जी माइनस माइनस आप ट्रस्ट बोलो चलो यहां पे देखते हैं अच्छा हमने यहां पे एक चीज क्या मान लिया कि एक कंसीडर यहां पे कर लिया लेट डेंसिटी ऑफ बॉल उस बॉल की डेंसिटी क्या ले लेते हैं बच्चों रो ले लेते ठीक है डेंसिटी ऑफ बॉल को हमने रो मान लिया ठीक है तो चलो इस मास को हम ब्रेक कर सकते हैं तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है तो मैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी और ले सकते हैं आपके के वन यहां पर लिखो बिल्कुल यहां पे सेम कंडीशन यहां पर भी वी रो इंटू जी माइनस अब देखो अपसर्स क्या होता है पढ़ रखा है अपसर्स क्या होता है इट इज द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इट इज द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड अब इतना वेट लिक्विड डिस्प्लेस है हमने कहा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी बोलो भाई सिंपल ये पढ़ा होगा तो क्या बात है कि अक्सर किसके बराबर होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस ठीक है तो हमने वहां से वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी कर दिया ठीक है अब चलो एक क्वेश्चन काम करें तो क्या देखो ध्यान से वी रो जी अपॉन अच्छा इन दोनों में कॉमन कर ली वी और जी कॉमन कर ले तो वी और जी को बाहर ले लेते हैं अंदर क्या बचेगा भाई रो माइनस सिग्मा भैया रो इज डेंसिटी ऑफ बॉल एंड सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड अब तो फिर आपने कैंसिल हो रहा बी से बी को जी से जी से तो तुम्हें हम देख डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के लिए हमारा इक्वेशन क्या बना रो अपॉन रो माइनस ठीक है बच्चों तो यहां से भी हम रिलेशन का विषय क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये है लिक्विड का कॉन्सेप्ट फिर हम सेम एक्सपेरिमेंट को स्प्रिंग के एक्सपेरिमेंट को हम लिक्विड में परफॉर्म करते हैं ठीक है क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे हम डिफरेंट टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे हम डायपोल के बारे में पढ़ेंगे डायपोल की स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डायपोल के बारे में पढ़ेंगे उसके एक्सियल पोजीशन पे फील्ड क्या होगी उसके इक्विटोरियल पोजीशन के कारण फील्ड क्या होगी एंड डिफरेंट बॉडी के कारण फील्ड की वैल्यू क्या होगी उसके बारे में पढ़ेंगे
आपको क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू बच्चों।